सेहतमंद हर वो बंदा है जो सुबह उठता है, चलता फिरता है, चहलकदमी करता है, तो ये तो हम भी कर सकते हैं। गांव में क्यों? अब मेरा आप लोगों से सवाल यहाँ ये है, ठंडा पानी पीना चाहिए, नॉर्मल पीना चाहिए या गर्म पीना चाहिए? हमारी प्रेफरेंसेस जो हैं वो बदल चुकी हैं। हमें हेल्थ नहीं चाहिए, हमें वेट लॉस चाहिए। जो आप खा रही हैं हम भी वही खाएंगे। भाई एक डाइट आपकी वो लेने से जो मैं ले रही हूँ, ना तो आप हेल्दी हो जाएंगे ना आप बीमार हो जाएंगे। इट इज अ लाइफस्टाइल चेंज। हेल्थ पे बात करने जा रहे हैं या कुछ डिस्कस करेंगे और बड़े मुझे मुस्कुराते चमकते चेहरे नजर आ रहे हैं जो कि सारे सेहतमंद ही हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला सेहतमंद और तंदुरुस्ती वाला ही रखे। तो इससे पहले आप लोग मुझे पूछें, मैं आप लोगों को पूछ लेती हूँ, सेहत होता क्या है? आप लोगों में से कोई मुझे बता सकता है कि सेहत क्या है? जो नेचर ने बॉडी को वर्किंग स्टाइल पे रखा हुआ है, इधर और फिजिकल आर और मेंटली, ठीक है, वर्क अकॉर्डिंग टू नेचर्स, ठीक है, ये सेहत है। ये माइट भी आपके लिए हो, किसी और के लिए ना हो। yes, of course. कोई और है जो डिफाइन करना चाहे कि सेहत क्या है? आपके लिए सेहत क्या है? मैं ये नहीं पूछ रही सेहत की डेफिनेशन क्या है, आपके लिए सेहत क्या है? बहुत बड़ी नेमत है। नेमत है। आप आपको बीमारियों से दूर रखना सबसे बड़ी सेहत है। ठीक है, बीमारी नहीं है तो आप सेहतमंद हैं। ठीक है, और कोई? मैम अगर कोई अपनी लाइफ के और जो टीम के फंक्शन परफॉर्म कर रहा है सारे तो वो हेल्दी है। ठीक है जी, मतलब अपने आप को वो डेली एक रूटीन में जो भी काम कर रहा है, लेकिन अगर अगर आप समझते हैं कि सेहतमंद हर इंसान है, कुछ ना कुछ उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं तो वो प्रॉपरली सेहतमंद तो कोई भी नहीं है। ऐसा क्यों? बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप कोई अगर कोई भागता है दौड़ता है तो उसको आप देख लें कि रनिंग का टाइम है तो वो उस लेवल तक नहीं पहुंच सकता, उस पॉइंट तक, तो वो थक जाएगा। मतलब जो हमारी खराब थी, जो पहले ये चीजें थी उससे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम ठीक था, हम ये काफी मतलब वाकई ये चीजें फिट थे, ठीक है, हमारे पास वो चीजें वो काम नहीं है। जैसे गांव के अंदर लोग सुबह उठते हैं और काम शुरू कर देते हैं, और अगर हम सेहतमंद लोग देखने जाए तो वो है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सेहतमंद हर वो बंदा है जो सुबह उठता है, चलता फिरता है, चहलकदमी करता है, काम करता है, वो हेल्दी है, तो ये तो हम भी कर सकते हैं। गांव में क्यों? ये तो हम यहाँ लाहौर में रहते हुए भी कर सकते हैं। लाहौर में आपको खालस चीजें मिलती हैं, कोई ये चीजें जो गांव के अंदर मिलती हैं, जो आबोहवा मिलती है, यहाँ से तो पोल्यूशन है, पर वो ये चीजें नहीं आपके पास होंगी। तो हम गाड़ियों के बजाय अगर पैदल चलना शुरू कर दे तो पोल्यूशन खत्म हो जाएगी। सही, और कोई है जो? हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, और कोई? जी, जो भी फैक्टर्स आते हैं जो उसको इफेक्ट कर रहे हैं उससे मुबर्रा होना वो सेहत है। और कोई आप भी बता दें, आपके लिए सेहत क्या है? डेली का फंक्शन तो सारा दिन सोना भी हो सकता है। सोचने की बात है ना, डेली का फंक्शन आपके लिए माइट भी सारा दिन काम करना हो, मेरे लिए सारा दिन सोना हो, मेरे लिए एक कुर्सी पे बैठ के टांग पे टांग रखना हो। एग्जैक्टली अब देखिए, हमें बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे सेहत की डेफिनेशन बताई, हर बंदे ने अपने अकॉर्डिंग बताई कि सेहत क्या है, सेहत किसको कहते हैं, सेहत कैसे हासिल की जा सकती है। बहुत अच्छा आपने पॉइंट रेज किया, मैंने आगे से क्वेश्चन आपको इसलिए किया था क्योंकि क्वेश्चन जब आप करते हो ना तो एक बहुत इनोवेटिव चीज़ आगे से निकल आती है। मैं आते ही कहना शुरू कर देती सेहत ये है सेहत वो है, आप कहते क्या बोल रही है। आपने बताया, सबको आपस में समझ आया कि सेहत क्या है। अब सेहत की अगर फाइनली बात करें कि सेहत होती क्या है, मेरे लिए सेहत ये है आप अपनी मर्जी का खाना खा सको, अपनी मर्जी का काम कर सको, कुछ भी करके आप थको नहीं, कोई भी आपने फिजिकल एक्टिविटी की है, खाना खाया है, कहीं आप जाना चाहते हो, आपको ये सोचना है कि मेरे तो घुटनों में दर्द है, मेरी कमर में दर्द है, चाहे वो आप किसी भी एज में हो, किसी भी स्टेज पे हो, तो वो हेल्थ है। लेकिन हेल्थ को मेंटेन कैसे करना है? जब एक बच्चा दुनिया पे पैदा होता है, अल्हम्दुलिल्लाह 90% हमारे पास जो बच्चे होते हैं वो हेल्दी सेहतमंद होते हैं, वो चल फिर भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं,
अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। लेकिन हमने जो डाइट देनी है वो तो हमने खुद देनी है। एक बच्चा पैदा हो रहा है, आप उसको पैदा होते ही अगर 3 महीने के बच्चे को अगर अंडा खिलाना शुरू कर दें, जो कि आजकल हमारे यहाँ एक बड़ी कॉमन प्रैक्टिस होती जा रही है जो कि गलत है, बच्चों को कम अज़ कम 6 महीने तक कोई चीज़ जो है वो नहीं देनी चाहिए, चाहे वो गाय का दूध ही क्यों ना हो। अब आप लोगों के माइंड में ये बात नहीं आ रही कि गाय का दूध क्यों नहीं देना चाहिए 6 महीने तक के बच्चे को? कोई आप लोगों में से मुझे बता सकता है कि गाय का दूध क्यों नहीं देना चाहिए हमें? हमारे वहाँ पे ये है कि लोग कहते हैं अकल आती है बच्चे को, ठीक है, मन से देना स्टार्ट कर ये भी ठीक है, एग्जैक्टली ऐसे ही है। और कोई है जो ये बता सके कि भाई गाय का दूध क्यों नहीं देना चाहिए बच्चे को? उसके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, मॉडिफिकेशन उस उम्र में नहीं होती कि उसको बेयर कर सके, ठीक है, उसको सही तरीके से जो है उसकी, बिल्कुल ठीक है जी, सही तरीके से डाइजेस्ट करने के लिए प्रॉपर टाइम के साथ डाइजेस्ट नहीं होता प्रॉपर। अच्छा, माँ का जो है उसमें अल्लाह ताला नेचर ने हर वो कंपोनेंट्स दिया है जो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स है। एग्जैक्टली माय पॉइंट कि जो माँ बच्चे के लिए दूध बनाती है वो परफेक्ट होता है, चाहे वो गाय बना रही है वो उसके बच्चे के लिए परफेक्ट है, बकरी अपने बच्चे के लिए, माँ अपने बच्चे के लिए, किसी भी हम उसमें देख लें जो माँ अपने बच्चे को दे रही है वो बेहतरीन न्यूट्रिएंट्स से भरपूर है। अब अगर आप गाय का दूध अपने बच्चे को दे रहे हैं तो क्या आपके बच्चे ने भी पहले दिन उठ के खुद से जाना है, खड़ा हो जाना है? आपका बच्चा तो नहीं होता। गाय के बच्चे के फंक्शंस और हैं, आपके बच्चों के फंक्शन और हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट में अगर हम बात करें तो बच्चे ने कम से कम 6 महीने तक सिर्फ ऑब्जर्व करना होता है, देखना, सुनना, रिस्पांस भी इवन मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो 4.5-5 महीने में जाके करना शुरू करते हैं, ठीक है, जो कि एज हम सब में से किसी को भी अपनी याद नहीं होगी। तो थोड़ा आगे चलते हैं कि क्या खाएँ जो सेहत भी हमें दे। सबसे पहली चीज़, 6 महीने के बच्चे को मैं ये प्रेफर करती हूँ कि बजाय आप उसको डब्बे में बंद चीज़ें दें जो आपको इल्म ही नहीं है कि उसमें क्या है, मैं किसी भी ब्रांड किसी भी चीज़ का यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन हम सबको पता है कि हम सब क्या दे रहे होते हैं। जो डब्बे में बंद है वो बचपन से ले कर बुढ़ापे तक जहर है, चाहे वो हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, चाहे वो हमारे कैंड फूड्स हैं, चाहे वो हमारे फ्रोज़न फूड्स हैं, हमारे लिए वो कुछ भी है वो हमारे लिए जहर है। तो खाएं क्या? हर चीज़ तो डब्बे में बंद मिल रही है, किस तरह से हम देखें कि क्या प्योर है क्या इम्प्योर है, क्या चीज़ अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करें, किस तरह से लेके चलें? आप सब में से कोई ऐसा है जो सॉफ्ट ड्रिंक्स ना पीता हो, जूसेस ना पीता हो, केचप ना खाता हो, सॉसेस ना खाता हो, डब्बे में बंद फ्रोजन फूड्स जो हैं वो ना खाता हो? कोई एक इंसान है ऐसा? 90% सर आपने तो इतनी उम्र खा के ये फैसला किया ना कि हमने नहीं खाना। अब मैं हूँ या ये जो मेरे साथ बैठे हुए हैं इनमें से किसी से कहे कल से सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पीनी? आप लोगों में से कौन जो है वो हफ्ते में कम से कम एक बार सॉफ्ट ड्रिंक जरूर पीता है, महीने में एक दफा, डेली? ओह माय गॉड, अमेजिंग, सुभान अल्लाह, रोज भी। अच्छा, अगर मैं सॉफ्ट ड्रिंक की ही सबसे पहले बात कर लूँ आप लोगों से, सॉफ्ट ड्रिंक चाहे काली है, सफ़ेद है, ऑरेंज है, कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक जो आपकी है उसके एक ग्लास में 9 चम्मच चीनी मौजूद है, ठीक है। और अगर हमें वो मिल रही है शुगर फ्री के नाम पे, डाइट के नाम पे, तो आप यकीन करें उसके अंदर जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज़ हो रहे हैं वो आम चीनी से ज़्यादा जहरीले हैं। और अगर हम फॉर एग्जांपल कह देते हैं कि 8 चम्मच चीनी मैंने उसमें बताई है, तो जो डाइट है और शुगर फ्री है उसमें 6 चम्मच होगी, तो आज सच तो कोई ख़ास डिफरेंस ना हुआ। और दूसरी चीज़, हम जो एक और गलत प्रैक्टिस करते हैं वो ये करते हैं कि हमने खाना खाया, अपने बारबेक्यू खाए, हमने अपने टिक्के कबाब पिज़्ज़ा बर्गर्स खाए, ओह माय गॉड क्या स्माइल आ रही है सबके फेस में इतने मज़े मज़े के खानों के नाम सुन के, और उसके ऊपर से हमने सॉफ्ट ड्रिंक भी पी ली, क्या हुआ? हमने ऑयल गंदा डाला जो कि पका हुआ ऐसे था कि जो इम्प्योर था, इम्प्योरिटीज़ हमने बॉडी में डाली, और उसके ऊपर से हमने सॉफ्ट ड्रिंक ठंडी पी, और वो वहीं पर ही आर्टरीज़ में ऑयल जम गया।
क्या बीमारियां हो सकती हैं अगर तेल हमारी आर्टरीज में जमता है तो? आपको तो सबको पता है हार्ट अटैक होगा, ब्लड प्रेशर होगा, तो क्या आप लोग पिज्जा के ऊपर से कोक पीते हैं? कोई ऐसा है जो ऊपर से सफेद बोतल, पेट खराब हो फिर भी सफेद बोतल पीता है? देखिए ये वो प्रैक्टिसेस हैं जो 8 से 10 महीने का जो बच्चा है ना हमारा, हम उनमें भी कर रहे हैं। बच्चों की हड्डियां हम जो हैं वो खुद कमजोर कर रहे हैं। सर आप मुझे ये बता सकते हैं कि आप लोग आज भी हमसे ज्यादा हेल्दी हैं, आपकी हड्डियां जो हैं वो हमसे ज्यादा मजबूत हैं, आप हमसे ज्यादा एक्टिव हैं, क्यों? डाइट, आपने क्या खाया, क्या जिस्म में डाला, उसने आपको किन बीमारियों की तरफ लेके जाना है वो आपने खुद डिसाइड करना है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने 3 महीने के बच्चे को रोज पार्क में लेके जा, सॉरी 3 साल के बच्चे को रोज पार्क में लेके जाते हैं कि ये फुटबॉल खेलेगा, और फुटबॉल खेलते हुए उसको क्या देते हैं, बेटा ये डब्बे वाला जूस पी लो, तुम बड़ा हेल्दी फील करोगे इसके साथ, तुम बड़ा एक्टिव फील करोगे। और जैसे ही वो आएगा उसके बाद उसको किसी भी शॉप पे लेके जाएंगे, मेरे बेटे ने बहुत मेहनत की है, बड़ी कसरत की है, तो चलो जो जो तुमने लेना है, जो स्नैक्स तुमने लेने हैं वो ले लो। क्या वो खेलना कूदना उसके लिए ठीक है? खेल कूद ही नहीं वो सकेगा, बॉडी में कुछ है ही नहीं, सॉरी एग्जैक्टली बॉडी में कुछ है ही नहीं, बॉडी में आप कुछ डाल ही नहीं रहे हो तो निकलेगा क्या? एग्जैक्टली एक यही बात हम अगर करें, आप या मैं जिम जाना शुरू करें और जिम जाते हुए भी एक बर्गर खा के जाएं, निकलते ही एक और बर्गर खा लें, ठीक है, जिम जाने से वजन तो कम हो जाएगा गारंटीड, लेकिन बॉडी में क्या मसल बनेगा, गिरेगा क्या, मसल टूटेगा आपका? जिम जाना भी हर बंदा अगर जाता है ना, तो वो जिम जाने का मकसद जो होता है वो होता है कि मसल बनाया जाए, बॉडी से फैट को निकाला जाए। हम क्या करते हैं, फैट धड़ाधड़ बॉडी में डाल रहे हैं, मसल निकलता है तो निकल जाए, बॉडी में फैट होना लाजमी है। फिर अच्छा हमारे पास बड़े अच्छे दलाइल भी होते हैं, कोई आप लोगों में से अगर मुझे देना चाहे कि जी मैं तो जिम जा रहा हूँ तो मैं तो ये चीज़ें खा सकता हूँ या मुझे अलाउड है या कुछ, कोई ऐसा है जो ये इस चीज़ को जस्टिफाई करना चाहता हो, कोई आप लोगों में से जिम जाता है, वॉक करते हैं आप, जाते हैं, ज़बरदस्त, वॉक कितने मिनट्स की आप लोग करते हैं? ठीक है, वॉक करने से पहले क्या खा के जाते हैं? कुछ भी नहीं, तो रात के खाने के बाद नहीं वॉक करते आप लोग? आप करते हैं सर? मैं पहले करता हूं। खाने से पहले करते हैं, अच्छा खाने के बाद क्यों नहीं करते? खाना खा के तो आप इतना फुल हो जाते हैं। अच्छा जरूर पूछे, मैं आपके क्वेश्चन को ही एड्रेस करती हूँ। खाना वॉक करने से पहले खाना चाहिए या बाद में खाना चाहिए? मैं आपको एक मैकेनिज्म बता देती हूँ, उसके बाद आप लोग खुद डिसाइड कर लें वॉक से पहले आपने करनी है खाना अपना खाना है या वॉक के बाद आपने खाना खाना है। जो भी आपने खाया है उसके बाद आपने वॉक की है तो वो निकलेगा बॉडी से जो आपने उस टाइम पे खाया है, ठीक है। और अगर आप वैसे वॉक करने जाते हैं कुछ खाए बगैर, तो आपकी बॉडी का ग्लूकोज टूटेगा, आपकी बॉडी में जो फैट डिपॉजिट हुए हुए हैं 20 मिनट के बाद ऑलमोस्ट वो डिपॉजिट होना शुरू होंगे, बॉडी से निकलना शुरू होंगे, आप बॉडी को साफ करना शुरू करेंगे, डिटॉक्स करना फील करेंगे कि साफ हुई है। तो कब वॉक करनी चाहिए? खाना खाने से पहले। एग्जैक्टली खाना खाने से पहले अगर आप लोग वॉक करेंगे तो वो आपकी बॉडी से, भाई आपको कुछ समझ आ रहा है? आर यू श्योर आपको समझ आ रहा है? क्योंकि मुझे देख के लग रहा है कि आपको गुस्सा आ रहा है कि मैं क्या सेशन में बैठ गया हूँ, कुछ समझ तो आ नहीं रही इनकी मुझे। बर्गर से चलें भाई, मैं बर्गर से मना नहीं करती, आप लोग खाएं, जरूर खाएं। जी वॉक से पहले हमें पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? अच्छा देखो, वॉक से पहले पानी आप बिल्कुल पी सकते हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम जब पानी पी के वॉक करते हैं तो हमारे इस जगह पे दर्द होती है, ठीक है, हमें फील होता है कि जैसे जो है ना कोई कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। वो इसलिए होता है क्योंकि या तो आपने बहुत ठंडा पानी पिया हुआ होता है, आइस वाटर होता है, आपकी बॉडी का एकदम टेम्परेचर गर्म होता है और वो बॉडी से जो है वो हजम नहीं हो पाता, ठीक है, इसलिए भी वो पेन होती है। लेकिन अगर आप ये लो कि रूम टेम्परेचर लो और उसके अंदर आप तुम्हलंगा या चिया सीड्स डालो और उसको लेके वॉक करने जाओ,
तो दैट इज़ अमेजिंग, आप उसको सिप सिप करके पी सकते हो। अब मेरा आप लोगों से सवाल यहाँ ये है, ठंडा पानी पीना चाहिए, नॉर्मल पीना चाहिए या गर्म पीना चाहिए? डिस्पाइट सर्दी गर्मी मैं ये बात नहीं कर रही, आप लोग क्या नॉर्मल पानी पीते हैं? कौन है जो नॉर्मल पानी पीता है? अच्छा दैट इज़ अमेजिंग, मैं कहती हूँ कि ये तो ज़बरदस्त हो गया है, बड़े अच्छे लोग हैं जो गर्म पानी नॉर्मल पानी पी रहे होते हैं। रीज़न कोई मुझे बता सकता है नॉर्मल पानी क्यों पीना चाहिए? जी मैं न्यूट्रिशन की स्टूडेंट हूँ। अच्छा दैट्स अमेजिंग, तो हमारी टीचर ने हमें बताया था कि जब हम ठंडा पानी पीते हैं तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 होता है, ठीक है। तो जैसे ही हम ठंडा पानी एकदम पीते हैं तो वो हमारे गले से जैसे नीचे जाता है तो वो एकदम मतलब गर्म तो हो जाता है, यानी हमारे जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसको नॉर्मल तो कर देता है, लेकिन जब हम ठंडा पानी पीते हैं तो एकदम हमारे बॉडी के सारे एंजाइम्स वगैरह जो होते हैं ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, एकदम मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो वो जब हम पीते हैं तो वो हमारे लिए हमारी बॉडी भी थक जाती है और वो हमारे लिए फायदेमंद भी नहीं होता। एग्जैक्टली, तो हमारी टीचर ने जब से ये बताया उसके बाद से मतलब मैंने गर्म पानी पीना स्टार्ट किया, नॉर्मल ठंडा पानी स्किप कर दिया। ये तो बड़ा अच्छा पॉइंट आपने हमें बताया और समझाया भी है, लेकिन अब मुझे ये बताएं अगर किसी ने वजन कम करना है, गर्म पानी कितना गर्म? जून जुलाई में सख्त गर्मी में गर्म पानी पी सकते हैं हम? नॉर्मल पानी जी आप पीते हैं गर्म पानी जून? जबरदस्त, आप वेट लॉस कर रहे हैं? अच्छा वैसे ही पीते हैं, ठीक है बिल्कुल। लेकिन ना तो हम चाइना में रहते हैं ना जापान में रहते हैं। नहीं सर मेरा क्वेश्चन ये है, डॉक्टरों की रिसर्च थी कि अगर आप डेली अगर 3-4 ग्लास पानी में गर्म पिए एक टाइम तो आप आने वाली बहुत सारी बीमारी से बच सकते हैं, जैसे 3-6 माह। अच्छा डेली आप 3-4 ग्लास पिए सुबह खाली पेट। लेकिन सर मेरा सवाल ये है कि आप अगर अमेरिका जाते हैं जो डाइट आप वहाँ पे खाते हैं, क्या आप वही स्लीप पैटर्न वही खाना वही डाइट यहाँ पाकिस्तान में फॉलो कर सकते हैं? तो जापान का और हमारा सर पैसे लगते हैं, पानी भी पैसों का आता है, ताज़ा नलके वाला पी लें तो उसमें कहते हैं बीमारियाँ बहुत है तो क्या करें, बिल्कुल ठीक है। अब देखें जापान और आपने चाइना की दी, ये बात वाकई ही रिसर्च से प्रूवन है कि जो गर्म पानी है वो हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। कौन सी बीमारियां हैं? ब्लड प्रेशर, हमारी बॉडी में अगर आप गर्म पानी पीते हैं और आपने कोई ऐसा ले लिया है खाना जिसमें आपको बदहजमी हो सकती थी, ईकोलाई आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हो सकता था, या आपकी बॉडी जो थी वो आपको डायरियल स्टेट्स की तरफ लेके जा सकती थी, लेकिन आपने गर्म पानी लिया तो भी वो आपको उससे प्रोटेक्ट कर सकती है। उसके अलावा आप ऐसा डाइट में क्या खाएं कि आप सेहतमंद रह सकें? खाते तो हम सब हैं, रोटी भी हम सब खाते हैं, अंडा भी हम सब खाते हैं, फ्रूट्स भी चले हम खा ही लेते हैं, रोज़ का 1-2 तो हम खा ही लेते हैं, नट्स भी हम खा लेते हैं, कभी कभार कोई हमें बताए तो हम सीड्स भी खा लेते हैं, बीमार तो हम फिर भी हैं। अभी जब हमने बात की थी आई गेस आपने ही मुझे तब कहा था कि कोई भी ठीक नहीं है, बिल्कुल सही बात है आपकी, क्यों ठीक नहीं है? जी मैम हम प्रोटीन वगैरह हर चीज़ तो अपनी डाइट में ले रहे होते हैं लेकिन जो उसकी खाने का पैटर्न होता है ना हम उसको सही तरीके से फॉलो नहीं करते। अब जैसे अगर हम नाश्ता करते हैं, नाश्ते में हम ब्रेड भी लेते हैं, हम एग भी लेते हैं, तो हम क्या करते हैं उसी के साथ चाय भी लेते हैं जो कि हमें बिल्कुल खाने के साथ नहीं लेनी चाहिए। आपका नाम क्या है? सीरत। सीरत आप मुझे ये बताओ अगर आप चाय अपने पेशेंट को मना करोगे ना तो पेशेंट आपके पास दोबारा नहीं आएगा। मैं खुद भी चाय की बहुत ज्यादा शौकीन हूं, तो मतलब हम एक पैटर्न को फॉलो नहीं करते। अगर हम मतलब पैटर्न को फॉलो करें जैसे हम नाश्ता कर लिया है तो चाय फॉरन उसके साथ ना पिए थोड़े टाइम के बाद। लेकिन हम तो लेट हो रहे होते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफिस के लिए, हम उठते ही उस टाइम पे हैं तो फिर क्या करें? चाय स्किप कर दें तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उनके सर में दर्द रहता है तो वो क्या करें? वो जल्दी उठ जाए, वो साथ ले। लेकिन रात को लेट सोए हैं सुबह कैसे जल्दी उठे? साथ ले लें, लेकिन अगर वो किसी बाइक रिक्शा या किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ट्रेवल कर रहे हैं तो वो तो गिर जाएगी सारी। अच्छा नाश्ते के बाद
10 मिनट में घर में वॉक कर लेता हूँ। अच्छा, नाश्ता करने के बाद। सर अभी हमने क्या बताया आपको कि नाश्ता करने के बाद नहीं वॉक करनी। चाय पीने के लिए जगह। अच्छा 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 अच्छा, तो सर नाश्ता थोड़ा कम कर लिया करें। जी असल में अगर हम बैलेंस ऑफ लाइफ को देखते हैं तो स्ट्रेसेस बहुत इंपैक्ट करते हैं। एग्जैक्टली। तो ये जो स्ट्रेसेस होते हैं ये डिप्रेशन तक आ जाते हैं, लेकिन नेचर ने जो वरीज जो है ना हमारी लाइफ में नहीं बनाई। बिल्कुल, खुद वरीज बनाई हुई है। सर देखे ना, नया फ़ोन लॉन्च हुआ है ये कुछ दिन पहले, 6-6 घंटे लोगों ने लाइनों में लग के लिए। क्या वरी नहीं है? जो बाकी मेरे जैसे हैं जिनके पास को पिछले मॉडल हैं, हम कैसे ना नया मॉडल लें? तो उसके लिए पैसे भी चाहिए, कैसे टेंशन ना लें? कपड़े हमें नए चाहिए तो हम अच्छा लगना चाहते हैं, उसके लिए हमें पार्लर भी जाना है, उसके लिए हमें अच्छे कपड़े भी चाहिए, उसके लिए हमने अपनी स्किन भी अच्छी करानी है, तो कैसे वरी ना करें? जी आप कुछ चीज़ें भी नहीं ना, जो पहले एक आप जानते हैं हमने एक स्पाइरल लेना। जी ना? जी जी जी, हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, वो 37 ईयर उनका एक्सपीरियंस था। ऐसे ही है, स्पाइरल लेना और भी उनकी काफी प्रोडक्ट है। जी उसने एक लेक्चर दिया था कि अगर आपको खालस चीजें मिल रही हैं तो ये चीजें ना यूज करें। बिल्कुल ठीक है, तो ये करें ताकि आप आने वाली बीमारी से बच सकें। उसका रिजल्ट मैंने खुद भी यूज किया, अपने वालिद के लिए, अपनी फैमिली के लिए और लोगों के लिए। सर स्पाइरोलिना जो है ना बेसिक। जी तो कुछ ये क्योंकि ये वो चीजें हैं जो नेचुरली हैं और खालस हैं, और मैं फिर आपको जापान या दूसरे उनकी मिसालें देता हूँ, क्योंकि ये वो लोग जो यूज करते हैं, आप उनके एजेस देख लें कि कितनी कितनी एज होती है। सर हमें तो इतनी एज चाहिए ही नहीं। नहीं यहाँ, अच्छा मुझे लगता है जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे आपको उम्र ज़्यादा चाहिए होती है। आप टीन एजर्स से जाके पूछें कि उम्र कितनी चाहिए, यार उसने रिप्लाई नहीं किया तो आप तो ज़िंदगी की ज़रूरत ही नहीं है। सर देखें ज़िंदगी की ज़रूरत नहीं है। फिर हम उसमें ये कह रहे हैं कि सॉरी नहीं नहीं पर्सनल डिस्कशन, मैं टीन्स में नहीं हूँ, मैं टीन्स से बड़ी हो चुकी हूँ। टेंशन स्ट्रेस डिप्रेशन, जब आपने बात की, स्पाइरोलिना इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट जो हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत सारी बीमारियों का हल है, लेकिन स्पाइरोलिना एज कम्पेयर टू बाकी प्रोडक्ट्स थोड़ी सी एक्सपेंसिव मिलती है, इसलिए लोग उसको जो है ना वो बाय नहीं करते। लेकिन अगर हम बात करें बिसाइड उसी कहीं मोरिंगा पे, मोरिंगा एक ऐसी चीज़ है जो हमारे पंजाब में हर घर के बाहर लगी हुई होती है, ऑलमोस्ट सुहांजना जिसको हम कहते हैं। मोरिंगा बहुत सारे पाउडर फॉर्म में भी मिलता है, उसकी मूलियाँ भी होती हैं, उसके पत्ते भी होते हैं, आप उसको पकाकर भी खा सकते हैं। पूरे अगर आप यूज़ करते हैं तो 300 से ज़्यादा बीमारियों का हल सिर्फ एक मोरिंगा में मौजूद है, जिसको अगर हम बात करें आपको डायबिटीज़ से भी बचा रहा है, आपको शुगर से भी बचा रहा है, विटामिन ए बी सी, उससे ज़्यादा कैल्शियम की मिकदार जो है वो दूध से ज़्यादा इसमें है, विटामिन ए जो है वो गाजर से ज़्यादा जो विटामिन ए है वो हमें मोरिंगा प्रोवाइड कर रहा है। तो बजाय कि हम इधर उधर भागे, हम मोरिंगा को एक अपनी डाइट में इंक्लूड कर लें, हम शहद को अपनी डाइट में इंक्लूड कर लें, क्योंकि शहद तो हम कहते हैं कि बीमारियों से हमें बचाता है, कलवंजी को ऐड ऑन कर लें, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं अगर हम अपनी डाइट में ऐड ऑन करें। सर सॉरी टू से, लेकिन अगर मैं ये कहूँगी ना कि आप कलवंजी कल से खाना शुरू कर दें, सर आप खाएंगे? कड़वी होती है कलवंजी, तो कड़वी होती ही नहीं, मुँह में रखे ऊपर से पानी पी लें। लेकिन अगर मैं वही कलवंजी आपको कहूं कि आप एक महीना इस्तेमाल करें, आपका 6 किलो वज़न कम हो जाएगा, आप सब इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। हमारी प्रेफरेंसेस जो हैं वो बदल चुकी हैं, हमें हेल्थ नहीं चाहिए, हमें वेट लॉस चाहिए। पेशेंट्स भी आपके पास अगर आते होंगे, आई डोंट नो आप किस सेमेस्टर में हो बेटा, सेकेंड सेमेस्टर में हो, आपसे अभी से ही लोग पूछते होंगे। मैं अगर अपनी बात करूँ, खुशी है, गमी है, किसी की बर्थडे है, शादी है, सालगिरह है, कोई मिलाद है, कहीं पर भी मैं बैठी हुई हूँ, हर बंदा पूछता है वजन कैसे कम करूं, ठीक है, बिसाइड ये कि बाकी सब क्या कर रहे हैं, मैं किस एक्टिविटी में इंडाल जूं, हर बंदा मुझे ये पूछता है मैम वजन कैसे कम करूं। उसको मना करते हैं कि शादी पे खाना तो बचेगा ना शादी पर, अगर वो पूछे तो ये तो नहीं रुकेंगे वो, पता है क्या करेंगे, वो मुझसे आंख बचा कर जाके खा लेंगे। फिर लोग अच्छा वहां पे क्या करते हैं, मैंने चाहे शादी पे खाना खाना है नहीं खाना, मैं किसी बुफे पे गई हूँ, कहीं पे गई हूँ, मैंने क्या खाना है क्या नहीं वो मेरी चॉइस है, आके कहेंगे डॉक्टर साहिबा आप क्या खा रही हैं, जो आप खा रही हैं हम भी वही खाएंगे। भाई एक डाइट आपकी वो लेने से जो मैं ले रही हूँ, ना तो आप हेल्दी हो जाएंगे ना आप बीमार हो जाएंगे। इट इज़ अ लाइफ स्टाइल चेंज। अगर मैं आपको कहूँ कि आज से आपने चीनी बंद कर देनी है,
आपकी ज़िंदगी के 80% मसले जो हैं वो हल हो जाएंगे। तो क्या आप कर सकते हैं? प्लीज़ हाथ खड़े करके मुझे बताएं कि अगर मैं कहूँ तो कोई कर सकता है बंद? मैं चीनी यूज़ नहीं करती। दैट इज़ अमेजिंग। अच्छा, चीनी के नुकसान क्या हैं? सबसे पहले मैं वो बता देती हूँ आपको, जितनी भी बीमारियाँ आपके जिस्म में लगती हैं उसकी जड़ जो है वो ये चीनी है। ठीक है, आपके फेस पे एक्नी होता है ना, पिंपल्स होते हैं, आप शुगर खाना छोड़ दें, चीनी खाना किसी भी फॉर्म में छोड़ दें, आप ठीक हो जाएंगे, आपकी एक्नी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, आपके स्किन पे से आपकी स्किन साफ शफाफ और क्लियर हो जाएगी, जो हम लोग सब चाहते हैं। लेकिन जब चीनी छोड़ने की बात आती है तो हम सब तैयार होते हैं, नहीं जी चीनी तो नहीं मैं छोड़ सकता। चीनी का ऑल्टरनेट कुछ हो सकता है जी? सॉरी खाने के बाद ये हमारे एल्डर्स होते हैं कि मीठा ज़रूर खाना है। सर शक्कर, आपकी ही बात मैं आप पे इम्प्लीमेंट करूंगी, क्या शक्कर प्योर है? प्योर तो है। तो फिर सर प्योर नहीं है तो कैसे खाएं? सॉरी अच्छा जी सॉरी हनी। अच्छा देखो, मैं किसी भी पेशेंट को, आप लोग हो सुनने वाले हैं वीडियोस में, मैंने कभी आज तक ये नहीं कहा आज इसी वक्त इस चीज़ को छोड़ दो। आप मेरे जितनी मर्जी वीडियोस, जितने मर्जी सेशंस उठा के देख ले, मैंने कभी ये नहीं कहा आज इस चीज़ को छोड़ दें, चाहे वो कुछ भी है। मैं हमेशा कहती हूँ वज़न बढ़ाना है, वज़न कम करना है, अपने आप को हेल्दी रखना है, कुछ भी करना है, रोटी चावल मत छोड़ें। हमेशा वज़न कम करना है, वज़न बढ़ाना है, ख़ुद को हेल्दी रखना है, दाल चावल रोटी खा कर करें। क्यों करें? आज आप मेरे कहने पे मेरे से डाइट प्लान लेंगे, रोटी छोड़ दी, चावल छोड़ दिए, एक महीने में 10 किलो वज़न कम हो गया, क्या अगले महीने भी रोटी नहीं खाएंगे? 6 महीने तक रोटी नहीं खाएंगे? साल तक रोटी नहीं खाएंगे? कितने साल रोटी नहीं खाएंगे? बहुत सारी लड़कियाँ मेरे पास वो आती हैं, 6 महीने बाद शादी है, 2 महीने बाद शादी है, 3 महीने बाद शादी है, लड़के भी आते हैं, आके ये बात कर रहे होते हैं इतना वज़न मेरा कम कर दे मैम, मैं रोटी चावल सब छोड़ने को तैयार हूँ। क्या रोटी चावल छोड़ना सोल्यूशन है? नहीं है। रोटी चीज़ वो छोड़ें जो आप हमेशा छोड़ सकते हो। एक लाइफस्टाइल अगर हम अपनी लाइफ में अपनाएं तो हम हर चीज़ को ठीक कर सकते हैं। लाइफस्टाइल क्या हो? लाइफस्टाइल आपका ये हो कि आप सुबह उठें, फजर की नमाज़ पढ़ें, नमाज से एक गिलास पानी पहले पिएं, नीम गर्म पिएं, गर्म पिएं, आपकी चॉइस है, कलवंजी उसके साथ कंज्यूम कर लें तो बेहतरीन है, मुंह में रखें ऊपर से पानी पी लें। कलवंजी के बारे में तो ये हदीस भी है कि मौत के अलावा हर चीज़ की इसमें जो है वो शिफा है। ठीक है, तो अगर आप कलवंजी को पानी के साथ कंज्यूम करते हैं और अपने दिल में ये इरादा रखते हैं कि हाँ मैं बीमारियों से बच सकता हूँ, तो आप बच जाएंगे। अच्छा वैसे मेरा इस चीज़ पर बिलीव है, जो आप सोचते हैं वो हो जाता है। मैं मगर पढ़ के तो मेरे ज़हन में आए सीईओ अपनी कंपनी के पास में, तो मेरे ज़हन में आया यार उससे काफ़ी दिन बात ही नहीं, लेकिन जो ही मैं मगर पर घर आया तो उसका टेलीफोन आ गया। उसने कहा यार वो मैं बात कर रहा था आसिफ साहब को, जो है डायरी वैरी भेजनी है, तो नया साल हो रहा है, तो मैं अभी फ्यू मिनट्स बिफोर आई रिमेंबर यू, आई वाज थिंकिंग अबाउट यू, दिस इज वेरी स्ट्रेंज फॉर मी, दिस इज। अच्छा बेसिकली मुझे ये लगता है कि ये तो अल्लाह पाक का भी फरमान है कि आप जैसा गुमान करते हो आप मुझे वैसा ही पाते हो। ठीक है, तो अगर हम ये सोच लेते हैं कि हम सेहतमंद हैं तो हम सेहतमंद हो जाते हैं, लेकिन हम ये सोचते ही नहीं। हम सोचते क्या जी? कभी कभार जो डॉक्टर्स होते हैं ना, तो मैक्सिमम ये कहते हैं कि आप जो दवाई मेरे से लेके जा रहे हैं जी, 3 दिन बाद आप ठीक हो जाओगे, हमने डॉक्टर की बात को जो है वो माइंड में बिठा दिया होता है जी। तो अकॉर्डिंग टू रिसर्च जो 70% होता है हमारा माइंडसेट होता है कि हमें 3 दिन बाद ठीक होना है और इसी दवा से ठीक होना है, तो वो जो दवाई है उसका भी अपना असर होता है, लेकिन वो जो माइंडसेट हमारा बना होता है वो डेफिनेटली ठीक हो जाता है। अच्छा आपकी इसी उससे मैं आपको एक एग्जांपल आज ही की अपनी आपको सुनाती हूँ। आज सुबह जब मैं उठी मेरा गला बिल्कुल सख्त बंद था, क्लॉग हुआ हुआ था, मुझे बुखार था। ठीक है, अब मैंने वहाँ फैसला ये करना था कि क्या ये मैंने सेशन आज करना है या मैंने सेशन नहीं करना। मैं माजरत कर लूँ कि प्लीज़ आप सबको बता दिया जाए कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, और मैं ऑफकोर्स अवेलेबिलिटी आनी थी आप लोगों को, मैंने ये नहीं बताना था कि मैं बीमार हूँ। ठीक है, मैंने ये सोचा कि कितने सारे लोगों ने ये प्लान किया होगा, अपने कैलेंडर में ऐड ऑन किया होगा कि आज हमने जाना है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू दैट प्लान की होंगी, अच्छा हम वहाँ जाएंगे तो ये कर लेंगे। मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला प्लीज़ सेहत दें और मैं जाऊँ,
मैंने मेडिसिन खाई, अपने माइंड को ये बताया कि हाँ तुम ठीक हो, मैं आपके सामने खड़ी हूँ, किसी को लग रहा है मुझे बुखार है, किसी को लग रहा है मेरा गला ख़राब है, ऑल दो जिसम मेरा तप रहा है आई नो, लेकिन मुझे उस चीज़ को ये करना आता है कि आपने सब कुछ यहाँ है, आप सोच लो कि आपने करना है तो आप कर सकते हो। अगर आप यकीन के साथ कह दें मैं सेहतमंद हूं ना, तो फिर आप सेहतमंद रहेंगे। तो सर फिर हेल्दी चीजें खाना छोड़ देते हैं। अगर आप यकीन करें, मुझे आपके साथ इंटरेक्ट करने का इतना मजा आ रहा है ना, क्योंकि आप क्रॉस क्वेश्चन जो है ना वो मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा वो जैसे डॉक्टर की एग्जांपल थी, वो काफी मैंने सेशन किया। हां ऑफ कोर्स ऐसी चीजें होती हैं जो हम खुद कोई बात करते हैं तो वो हमें उसका आंसर आपकी तरफ से मिलता है। बिल्कुल, तो बात करने से होता है। एग्जैक्टली, क्योंकि जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि खाना खाने से पहले वॉक या बाद में वॉक, तो वही क्वेश्चन आपके पास था। अच्छा मुझे एक बात बताएं, बाय द टाइम हम सब ये देखते हैं कि हमारी हेल्थ जो है वो नीचे ही जा रही होती है, और ये कुदरत का एक असूल है कि बचपन से आप ऊपर को जाते हो फिर आपकी नीचे जाना शुरू हो जाती है, चाहे आप जितनी मर्जी अपने आप को मेंटेन कर लो, जो मर्जी कर लो, आपकी वो चीज़ जो है वो मेंटेन नहीं रहती। लेकिन जैसे मैं पहले डाइट प्लान ये शेयर कर रही थी, सुबह उठें, एक ग्लास पानी का पिएं, कलवंजी खाएं, उसके साथ अपनी नमाज पढ़ें, जो भी आपकी इबादत हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से ऑफकोर्स करें, मैं किसी को नहीं बता सकती कि वो क्या करें, एक पानी का ग्लास उसके बाद पिएं और अपनी वॉक करें, वॉक घर में करें, पार्क में करें, लॉन में करें, अपनी छत पर करें, अपने घर के अंदर करें, वो आपकी अपनी चॉइस है। उस टाइम पे मुझे कोई बंदा ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकता कि मैं बिज़ी होता हूँ, मैं फ्री नहीं हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, अगर आपने ये किया है उसके बाद आप सो जाएं, अगर आपके अभी ऑफिस स्कूल कॉलेज का टाइम नहीं हुआ आप सो जाएं, लेकिन जब आप उठें तो आपका नाश्ता क्या होना चाहिए। नाश्ता जो है वो हम हमेशा ये सुनते हैं कि बादशाहों की तरह होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, नहीं हैवी होना चाहिए बेटा, क्यों हैवी होना चाहिए। नाश्ता हैवी आपका इसलिए होना चाहिए क्योंकि जब हम नाश्ते की बात करते हैं, हो सकता है मैंने सुबह 8 बजे का खाना खाया हो और उसके बाद पूरा दिन मुझे 3-4-5 बजे तक खाना ही ना मिले, क्योंकि जो बंदा घर से बाहर जा रहा है वो अपनी रूटीन को मेंटेन एज सच नहीं कर पाता, और उसने जो है वो चीज़ें उनको एज सच, तो क्या खाएं। नाश्ते में बेहतरीन ऑप्शन जो मैं देती हूँ वो यही है, रोटी खाएं। रोटी कितनी खाएं, 6 इंचेस की रोटी खाएं, 6 इंचेस की, अपने हाथ जितनी अगर आपने रोटी खाई है उसके साथ आप अंडा ले लें, ऑमलेट ले लें, नहीं अवेलेबल अंडा घर पे जो सालन बना हुआ है वो ले लें। सालन आपके घरों में जो भी बनता हो, अपनी मदर से, अपनी वाइफ, अपनी बेटियों, बच्चों, जो भी खाना बनाता हो उसको कहें ऑयल की मकदार कम से कम रखी जाए। हाँ आपने अक्सर सुना होगा चीनी जहर है, चीनी से ज़्यादा नमक जहर है। कैसे जहर है चीनी से ज़्यादा नमक? चीनी तो आ जाके सिर्फ आपको शुगर ही कर देगी। वैसे आई डोंट बिलीव कि चीनी से आपको शुगर होती है, मेरा ये मानना है आपको स्ट्रेस, टेंशन, एनजाइटी और आपके हॉर्मोन्स जो हैं वो आपकी बॉडी में आपकी शुगर लेवल्स को जो है वो स्पाइक देते हैं और बढ़ाते हैं। ठीक है, नमक क्या क्या कर सकता है आपकी बॉडी में? नमक आपके गुर्दे ख़राब कर सकता है, ब्लड प्रेशर, आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को हाई करने में, क्योंकि जब आप रेड मीट बहुत ज़्यादा खाते हो उस पर बहुत ज़्यादा मसाले, नमक, मिर्चें लगे हुए होंगे तो वो आपके बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड के लेवल्स को बढ़ाना शुरू कर देंगे। ठीक है, उसके अलावा आपके हार्ट अटैक के जो चांसेस हैं वो सॉल्ट खाने से बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। अब जो खाना हम बाहर जाके खाते हैं उसके अंदर नमक की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, और मैंने ये खुद से सर्वे किया है, देखा है, बहुत बार मैंने अपने इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया हैंडल्स पे ये पोल लगाकर लोगों से पूछा है कि क्या उन्हें नमकीन चीज़ें पसंद हैं, मीठी पसंद है, घर से खाना पसंद है, बाहर से खाना पसंद है, क्या प्रेफरेंसेस हैं उनकी, तो हमेशा जवाब ये आता है नमकीन और बाहर की। मीठी चीज़ों में भी लोगों की जो प्रेफरेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बदल चुकी हैं। पहले लोग मीठा क्या खाते थे? खीर, हलवे, पंजीरी बनाकर। अब लोग मीठा क्या खाते हैं? आइसक्रीम्स, पेस्ट्रीज, चॉकलेट्स, चॉकलेट सिरप्स। इवन मैंने लोगों में ये देखा है मीठे चावल जो बन रहे होते हैं उसके अंदर चॉकलेट्स डाल रहे होते हैं वो लोग। मेरे लिए हैरान कन थी ये चीज़ जब मैंने मीठे चावलों के अंदर रसगुल्लों के, मेरे तो माइंड में हमेशा से ये था मीठे चावल है रसगुल्ला होगा, जब अंदर से चॉकलेट निकली मैं तो हैरान रह गई देखते हुए उसको कि ये क्या हुआ है। अच्छा फिर उसके साथ जो एक सबसे बड़ी गलती हम करते हैं वो हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ फूड जो है हम उसको बनाते खुद से ही अपने माइंड में। कॉम्बिनेशन कैसे है? जैसे जी आपने खाना और सॉफ्ट ड्रिंक
खुद से कॉम्बिनेशन बनाया, किसी ने आज तक ये कॉम्बिनेशन नहीं बनाया, साइंस ने आपको ये कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना के दिया। खाना और पानी कॉम्बिनेशन हमने खुद बनाया, मीठा नमकीन हमने कॉम्बिनेशन खुद बनाया कि नमकीन खाया तो उसके बाद मीठा ज़रूर होना चाहिए। जैसे आप कह रही थी कि घर पे लोग कहते हैं कि जी पेरेंट्स हैं बड़े हैं, नमकीन खाना खाया उसके बाद मीठा ज़रूर होना चाहिए, तो मीठे में क्या खा सकते हैं, क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? सबसे पहली चीज़ ये बात हमेशा याद रखें, फ्रूट आपने जब भी खाना है खाना खाने से पहले खाना है। क्यों पहले खाना है? पहले खाने का रीज़न जो है वो ये है कि अगर आप फ्रूट खा लेते हो आपके पेट में खाना खाने की जो टेंडेंसी है वो ऑलरेडी कम हो जाती है। जहाँ आपने एक पूरी रोटी खानी थी वहाँ आप आधी पे आ जाओगे, लेकिन बिसाइड जब आप ये करते हो पहले पूरी रोटी खा ली उसके बाद अब एप्पल है फॉर एग्जांपल, सेब तो अब मैंने पूरा ही खाना है, आधा रखूँगी तो ख़राब हो जाएगा, तो आप कैलोरी ज़्यादा लेना शुरू कर देते हो। उसके अलावा लोग जो हैं वो बच्चों में और अपने टीनएजर्स में जो गलती करते हैं सबसे ज़्यादा, जैसे पहले जूसेस की मैं बात कर रही थी, जूसेस तो दे ही रहे होते हैं उसके बाद उनको ये लग रहा होता है सॉफ्ट ड्रिंक से बेहतर है जूस दे दिया जाए। भाई एक ही चीज़ है, चीनी का कंटेंट है आपने उनको दे दिया। बच्चे एग्रेसिव क्यों हैं, बदतमीज़ क्यों हैं, बच्चों का कोई कसूर नहीं है। मैं कहती हूँ सारा कसूर पेरेंट्स का है। क्यों पेरेंट्स का कसूर है? क्योंकि वो ठीक डाइट ही नहीं देते। सर आप अगर ये बात याद करें टीचर की, स्कूल में बच्चे जाते हैं वो जो टीचर उसको कहते हैं वो ज्यादा फॉलो करते हैं, टीचर जो सॉरी उनको खुद नहीं आईडिया, टीचर को खुद नहीं आईडिया, स्ट्रेंथ लेके जाते हैं। अगर टीचर उनको ये गाइड करे कि ये चीजें लेके आए, ये नहीं लेके आनी, ये चीज इस्तेमाल करे, तो उनके ज़हन में बैठ जाती है। अच्छा मसला मैं आपको बताती हूं जी। दूसरा ये जो जैसे आप शुगर की बात करें, इसकी क्या एज लिमिट है? ये सुनना कि ये 40 इयर्स से पहले जो लोग टेंशनों में रहते हैं बेसिकली जब हम बात करते हैं डायबिटीज़ की, तो डायबिटीज़ की दो टाइप्स होती हैं, टाइप वन और टाइप टू। जो 30 साल से पहले होती है वो टाइप वन होती है, जो 30 साल के बाद होती है वो टाइप टू होती है। दोनों में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि इंसुलिन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का, आपकी बॉडी जो है वो इंसुलिन एक में होता है प्लस 30 बना रही होती है, लेकिन इतनी नहीं बना रही होती कि आपके लिए इनफ हो। 30 से बिफोर आपकी बॉडी इंसुलिन बना ही नहीं रही, ठीक है, आपने बाहर से ही इंजेक्ट करनी है तो ही बॉडी में इंसुलिन होगी। अब इंसुलिन का क्या काम है, मैं आपके सवाल दूसरे का बाद में जवाब देती हूँ, लेकिन इंसुलिन का बॉडी में क्या काम है? इंसुलिन का बॉडी में ये काम है, आपने चाय पी है, आपने खाना खाया है, चाय के साथ भी ये कॉन्सेप्ट है कि मीठा कुछ ज़रूर होना चाहिए, चाहे वो बिस्किट्स हों, समोसे हों, पकौड़े हों, कुछ जो है नमकीन मीठा। चाय खाली तो पीना सख्त गुनाह है हमारे लिए, अगर हम किसी गेस्ट को भी दे दें तो वो भी हैरान होता है कि खाली चाय मुझे सर्व कर दी, ओ माय गॉड ये तो गुनाह का काम हो गया। गुनाह नहीं है, बिल्कुल ठीक है, खाली चाय पिए, चाय के साथ कुछ भी कंज्यूम ना करें। इंसुलिन लेवल्स की मैं बात कर रही हूँ, इंसुलिन जो है आप कुछ भी जब बॉडी में यहाँ से अंदर जाता है, यहाँ से यहाँ तक निकलने तक आपका मैकेनिज्म जो है, जितनी स्पीड से आप खाना खाओगे इंसुलिन के लेवल्स उतने ऊपर जाएंगे। आप एक ही सैंडविच की मैं एग्जांपल देती हूँ, एक ही सैंडविच है उसके अंदर सलाद पत्ता लगा हुआ है, चिकन है, खीरा, प्याज, टमाटर, उसके अंदर जो है आपने कॉर्न लगाई हुई है, वही आपने स्पीड से खाया, जल्दी जल्दी खाया, वही आपने स्लो खाया। स्पीड से खाने वाले की 400-500 तक जो है वो राइज जाएगी शुगर की, और स्लो खाने वाले की आप समझे 300-350 तक रहेगी। 450 बहुत हाइप है 350 की नस्बत। जब उसी खाने को आप मेंटेन कर सकते हो 350 कैलोरीज में, तो 450 तक अपनी शुगर को हाइप क्यों दी जाए? नंबर टू इशू जो है वो ये आता है कि इंसुलिन बॉडी में क्या चीज़ बना सकती है। अगर आपको शुगर अल्लाह माफ़ करे हो गई है, मैं आपके साथ 2-3 चीज़ें यहाँ डिस्कस करना चाहूँगी जो आपको डायबिटीज़ से बचा सकती हैं। मेडिसिन पे अगर आप हैं ज़रूर मेडिसिन लें, मेंटेन करें, जब आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करे तब छोड़ें, नहीं तो अगर आप मेरे पास आ रहे हैं मैं आपकी शुगर को मैनेज कर रही हूँ तो आपको गोली आप छोड़ सकते हो। ये ना हो कि आप मेरा टोटका साथ इस्तेमाल करें, गोली बिल्कुल ही छोड़ दें, ऐसा नहीं करना। गोली साथ लाजमी खानी है जब तक आप रेगुलरली उसको चेक ना करें। क्या हल है जी? पहला हल आपके पास है मोरिंगा। मोरिंगा अगर आप खाते हो तो आप बहुत हद तक अपने शुगर लेवल्स जो स्पाइक्स आते हैं इंसुलिन के बॉडी में स्पाइक, आप उसको रोक सकते हो। नंबर टू भिंडी, जो आपकी लेडी फिंगर के नाम से भिंडी हमारी अवेलेबल होती है आम बाज़ार में हमें मिल जाती है, उसका ऊपर से काटें, नीचे से उसका जो सर पाँव हम कहते हैं उसको काटें, सेंटर से कट लगाएं, पानी में रात को भिगो दें, सुबह जब उठें उसकी जो लेस बनी हो आप उसको
तकरीबन 2 से 3 हफ्ते इस्तेमाल करेंगे तो आपको अपनी बॉडी में अच्छे खासे डिफरेंसेस जो हैं आपके इंसुलिन लेवल्स में वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे और आप देखेंगे कि आपने बहुत हद तक उसको ट्रीट कर लिया है। उसके बाद बहुत सारे लोगों में हम ये प्रॉब्लम भी देखते हैं कि गोल्डन मिल्क यानी हल्दी वाले दूध की मैं अक्सर बात करती हूँ, और हल्दी वाले दूध की जब मैं बात करती हूँ तो मैं कहती हूँ कि आपकी जिस्म में जो भी टूट फूट हुई हुई है, चाहे वो किसी भी बीमारी की शक्ल में है, वो उसको ठीक कर देती है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं हल्दी तो गर्म होती है, हम उसको गर्मियों में कंज्यूम नहीं कर सकते। साइंस गर्म ठंडा नहीं मानती। साइंस के लिए गर्मी सर्दी उसका जो तासीर है वो कुछ नहीं है, वो एक सिंपल सी चीज़ है। आपने उसको खाने को खाया, आपकी बॉडी उस पर क्या रिएक्शन दे रही है, साइंस उस चीज़ को मानती है। लेकिन अगर आप हल्दी एक चुटकी दूध में डाल के डेली बेसिस पे पी रहे हो तो उसका आपके जिस्म पे कोई नुकसान नहीं है, कोई वो गर्मी नहीं दे रही। लेकिन हाँ, आपने पहले कभी हल्दी दूध पिया ही नहीं है और आप पहले दिन ही क्या करो, जी ज़ैनब ने बताया था कि हल्दी दूध आपके लिए बहुत अच्छा है, तो मैं तो आज से हल्दी दूध पी रही हूँ, 1 ग्लास दूध में 1.5 चम्मच हल्दी डाली, उसको मिक्स करके पी लिया, तो बीपी हाई होना आपका मस्ट है। कैसे हो सकता है कि नहीं हो? क्वांटिटी जो है वो मैटर करती है सबसे ज़्यादा। आप हल्दी वाला दूध पीते हो, सबसे ज़्यादा क्या बेनिफिट्स आते हैं? सबसे पहला बेनिफिट है, अगर आपको नींद नहीं आती और आप हल्दी वाला दूध पीते हो, आप अपनी स्लीप साइकिल को इम्प्रूव कर सकते हो। नंबर टू, बहुत सारे लोग जो हैं जिनके फेस पे हम कहते हैं कि ग्लो नहीं है, पिलाहट रहती है, अगर वो हल्दी वाला दूध पीते हैं आप उसको भी बेहतर कर सकते हो। नंबर थ्री, एक्नी जो हो जाती है आप उसको ट्रीट कर सकते हो, जैसे सॉरी एक्नी दाने, एक्नी को ट्रीट कर सकते हो। नंबर फोर, जैसे मैंने कहा कि 1.5 चम्मच डालने से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, तो अगर आप एक चुटकी डालें तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल भी हो सकता है। अगर आपको कोई चोट लगी है, हम देखते हैं साल हाँ साल से हम देख रहे हैं कि आपकी जो दर्दें हैं वो उसको ठीक करने में बहुत कारामद है। आपके घर में या आप हैं, आपके पेरेंट्स हैं, नानी दादी अगर किसी के घर में या दादा दादी हैं, तो वो ये चीज़ देखते हैं कि घुटनों में दर्द, कमर में दर्द बहुत कॉमन है। कौन सा ऐसा घर है जहाँ पे हम देखते हैं कि दर्द नहीं है? तो अगर आप शाम को सबके लिए बनाएं, 1 ग्लास दूध ले लें पर बंदा, ये बात बता रही हूँ, आप इसको क्वांटिटी अपने कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 ग्लास दूध ले लीजिए, उसके अंदर 1 चम्मच फूल मखाना डालें, उसको अच्छी तरह बॉयल दें, वो पक जाए जब, उसके अंदर आप थोड़ी सी हल्दी डालें, और हल्दी डालने के बाद नीम गरम आप उसको अपने बच्चे को, बड़ों को, बूढ़ों को, सबको दें। आपकी जितनी मसल पेन्स हैं, आपकी हड्डियों की दर्दें हैं, वो सब आप ठीक कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं, सर्दियों में बहुत ज़्यादा नज़ला, ज़ुकाम, बुखार कॉमन होना शुरू हो जाता है और आपने उसको ठीक करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहली चीज़ ये है कि आप अपनी बॉडी में हल्दी को ऐड ऑन कर लीजिए अभी से ही। फूल मखाना हल्दी दोनों ऐड कर लें, बुखार जुकाम नज़ला ठीक। जी, ये हल्दी के साथ आप एक और वर्ड यूज़ कर रही हैं, फूल मखाना। फूल मखाना को हम इंग्लिश में लोटस सीड्स भी बोलते हैं, वाइट कलर के ये होते हैं, ये सिंपल मखाने मीठे जो होते हैं ये वो नहीं होते। आप इसको फूल मखाना एज इट इज सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, किसी भी पंसार की शॉप से मिल जाएगा। एग्जैक्टली, दूध में डाल के पिए बेहतरीन है। इवन अच्छा, इसका एक और तरीका बता देती हूँ, अगर दूध में मज़ा नहीं आता फॉर एग्जाम्पल किसी को, तो फूल मखाने सिंपल खरीदिए, उनको थोड़ा सा, मैं यही कहूँगी 1 चम्मच अगर देसी घी यूज़ कर सकें तो बेहतरीन हो जाएगा। देसी घी का 1 चम्मच लें, उसके अंदर अपने फूल मखाने डालें, उसको थोड़ा सा मिक्स कर लें, जैसे ही वो थोड़ा सा सॉटे हो जाए उसके अंदर अपने बादाम, पिस्ते, काजू सारे डाल के मिक्स कर लें और उसको निकाल लें और उसको एज स्नैक 1 चम्मच रोज़ाना खाएँ, बेहतरीन हो जाएगा आपके लिए। आप फील करोगे कि वाकई ही रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे आ रहे हैं और आपकी जिस्म में दर्दें जो हैं वो बेहतर हैं पहले से। अब बहुत सारे लोग वो हैं, जैसे मैंने चेहरे पे पिलाहट की बात की थी, यानी एनीमिक जो होते हैं, एनीमिया जिनमें होता है, खून की कमी जिनमें होती है, चाहे वो बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, प्रेग्नेंट औरतें हैं, जो भी हैं जो एनीमिया का शिकार हैं और वो खून की कमी को पूरा करना चाहते हैं, HB लेवल्स कम हैं। मेरे पास परसों एक पेशेंट आई और उसके HB के जो लेवल्स थे वो 5.5 थे, जबकि नॉर्मल औरतों के लिए 12 से 13 नॉर्मल है और मर्दों के लिए 13 से 14 अगर हम कहें तो वो नॉर्मल लेवल्स होते हैं HB के आपके। लेकिन अगर आपके वो कम आ रहे हैं तो आप उसको कैसे मेंटेन कर सकते हो? सबसे पहली चीज़, अपनी डाइट में
चुकंदर, सेब और गाजर का जूस ऐड ऑन कर लीजिए, वो आपके लिए बहुत बेहतर है। अगर नहीं कर सकते, खजूर को जो है वो लाजमी ऐड कर लीजिए। खजूर की मैं हर किस्म की बात कर रही हूँ, कोई सी किस्म जो है वो इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर खजूर, तिल, नट्स मिलाकर इस्तेमाल कर ले, उसके छोटे छोटे लड्डू बना लीजिए घर पे, अलसी भी उसमें डाल लें, तो दर्दें भी जाएंगी, एनीमिया भी ठीक हो जाएगा, खून की कमी जो है आप उसको भी पूरा कर सकते हैं। और आप फिर जब ठीक हो जाएं तो फिर मुझे दुआओं में भी याद रखना है, और दुआ करनी है मेरे लिए कि यार देखो, चीज़ नॉलेज हर बंदे के पास होता है, उसको डिलीवर करना, अगले को बताना, ये एक सुन्नत है, सदका जारी है, मैंने कर दी है। अगर आपको बेहतर लगे आप आगे इसको शेयर करते जाएं, और लोग जब जब इसको फॉलो करेंगे आप देखेंगे कि बेहतरीन रिजल्ट्स जो हैं वो लोग मिलेंगे आपको। बहुत सारे बच्चों में हम ये देखते हैं कि वो बोल नहीं पाते। जैसे हमारे माइंड में होता है 9 महीने का बच्चा, 1 साल का बच्चा, ये बोल क्यों नहीं रहा, वो बोल क्यों नहीं रहा होता। 3 उसके रीजंस हो सकते हैं। एक रीज़न ये हो सकता है कि आपने उसको इतनी ज़्यादा ज़ुबानें सिखा दी हैं, जैसे घर वाले खुद तो उर्दू में बात करें लेकिन बच्चे नो बेटा इंग्लिश में बात करनी है, ठीक है। पहला रीज़न ये है, बच्चा बोलने से पहले डिसाइड करता है कि व्हाट आई हैव टू से, कि क्या वर्ड्स जो हैं वो मैंने बोलने हैं, ठीक है। सॉरी सर आपने कुछ कहा, एग्जैक्टली मिक्सअप हो जाता है, समझ नहीं आती कि क्या करना है। नंबर 2, आप उसको ऐसी खुराक ही नहीं दे रहे कि जो उसको ताकत दे और उसके वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो उसको बोलने में मदद करें। तो क्या खुराक दें उसको? डेली बेसिस पे कम अज कम 1 अंडा बच्चे को ज़रूर दें। लेकिन अगर आपका बच्चा एलर्जिक है तो प्लीज़ उसकी एलर्जी, अगर वो मना कर रहा है, आपको रोक रहा है, तो उसको ज़बरदस्ती कुछ ना खिलाएं। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है, मैं आपको बताऊं, जिसमें सेलिएक डिज़ीज़ के बावजूद हम उसको आटा, दाल, चावल भी खिलाते हैं। दूध से एलर्जी होने के बावजूद हम उसको दूध भी पिलाते हैं। बहुत सारी बड़ी औरतों में भी मैंने देखा है, मैं खुद जानती हूँ बहुत सारी को, जिनमें मैंने ये प्रॉब्लम देखा है कि दूध पीते ही उनको डायरिया हो जाता है, लेकिन वो फिर भी दूध पीती हैं। क्या आपको ये लगता है कितने लोग इस चीज़ से एग्री करते हैं कि वो दूध उनको फ़ायदा देता होगा? वो दूध फ़ायदा ही नहीं देता। जब अंदर जाने से ज़्यादा उसने आपका मैकेनिज़्म ख़राब किया, बॉडी से बाहर निकल गया, तो आपको तो उसका कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। कोई आपकी बॉडी में एसिड सिम्टम्स जो हैं वो हेल्थ के आए ही नहीं, तो उस खाने को कंज्यूम करने का क्या फ़ायदा? एग्जैक्टली कोई आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन नहीं हुई। अच्छा, इससे ज़्यादा मैं एक और बात यहाँ करना चाहती हूँ। जब भी हम कहते हैं ना मेरी कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किसी का भी सुनते हैं, तो हमने बड़ा कॉमन सुना है विटामिन डी का सप्लीमेंट ले लें। कौन कौन यहाँ पे विटामिन डी का सप्लीमेंट लेता है? सर आप भी नहीं लेते? आप तो लिया करें, आप भी लिया करें सर जी, आप लेती हैं? दैट्स अमेजिंग। अच्छा, कौन से फूड्स ऐसे हैं जिनमें आपको लगता है कि विटामिन डी प्रेजेंट है? किसी को भी जो यहाँ पे पता हो वो भी मुझे बता सकता है कि फ़िश में होता है विटामिन डी? बिल्कुल ठीक है, फ़िश हम सिर्फ 1 सेकंड मुझे दे दें, फ़िश कितने महीने आती है और हम कितनी को कंज्यूम करते हैं? हमारे पाकिस्तान में हमारे पास फ़िश 3 से 4 महीने आती है। 4 महीनों में मुझे लगता है मैक्सिमम लोग 4 बार भी कंज्यूम नहीं करते। तो क्या वो विटामिन डी हमें मिल रहा है? अच्छा जी, और विटामिन डी किस चीज़ में? जी धूप में होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है। लेकिन एशियन स्किन, सॉरी, अच्छा मैं उसका भी जवाब आपके का भी देती हूँ। हमारी जो एशियन स्किन टोन है इसके ऊपर विटामिन डी बाहर से एब्जॉर्ब एज सच होता ही नहीं है। बचपन से हमने ये देखा है, धूप में बैठ बैठ के हमने जो है एब्जॉर्प्शन कर, विटामिन डी ऑलवेज एब्जॉर्ब जब होता है आपके ये चीज जो है ना अंगूठों की, चाहे वो हाथों की है, पाँव की, उंगलियों की, ये जो चीज़ है इससे विटामिन डी एब्जॉर्ब होता है बॉडी में। स्किन से कभी भी विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं होता। हम क्या करते हैं सर्दियों में अपनी कमर करके बैठे हुए होते हैं, विटामिन डी ले रहे हैं। एग्जैक्टली, हाथ हमने कवर किए हुए होते हैं, हम कमर करके बैठे होते हैं, जी विटामिन डी ले रहे हैं, ऐसे विटामिन डी नहीं मिलता जी। अच्छा, विटामिन डी और किस फूड में है, कौन बता रहा था जी? अच्छा, आप कह रही थी बॉडी में, हमारी बॉडी में जो विटामिन डी मौजूद होता है उसकी एब्जॉर्प्शन के लिए हमें कैल्शियम भी चाहिए, हमें मैग्नीशियम भी चाहिए, हमने उसको बॉडी में ऐड ऑन करना है, लेकिन हम उतनी क्वांटिटी में वो बॉडी में अवेलेबल ही नहीं होता, क्योंकि हमने खुराक तो वो खाई नहीं होती।
हड्डियों में दर्द है। अच्छा फिर उसके बाद जो है ना हम करते क्या है, विटामिन डी अगर एज सप्लीमेंट भी हम ले लेते हैं ना, तो उसके सप्लीमेंट को हम गलत तरीके से ले रहे होते हैं। सप्लीमेंट को हम विटामिन डी को कैसे लेते हैं, जब दिल किया जिस चीज़ के साथ दिल किया वैसे कंज्यूम कर लिया, ठीक है। विटामिन डी को पहले मैं नुकसान बता देती हूँ, फिर कैसे कंज्यूम करना है वो आपको बता देती हूँ। अगर आपने विटामिन डी कंज्यूम किया है, ठीक है, अपनी मर्जी से किया और आपकी बॉडी में मैग्नीशियम और कैल्शियम अवेलेबल नहीं है, तो आपकी हड्डियों पे जितना कैल्शियम डिपॉजिटेड होता है वो सब उतर जाता है, बजाय फायदे के आपने खुद को नुकसान दे दिया, कोई फायदा ही नहीं हुआ। अब अगर आपने विटामिन डी से फायदा लेना है तो क्या करें, सबसे पहले अगर तो आप करवा सकते हो तो अपने मैग्नीशियम का टेस्ट करा लीजिए, अगर नहीं करवा सकते तो कम अज़ कम मैग्नीशियम का सप्लीमेंट एक ले लीजिए पहले, नहीं तो मैग्नीशियम रिच फूड्स जो हैं वो ले लीजिए। मैग्नीशियम की बड़ी हाई क्वांटिटी जो है वो आपकी डार्क चॉकलेट्स में भी अवेलेबल होती है, आप उससे भी ले सकते हैं। ये सुबह के टाइम जो सूरज की रोशनी है, जी ये जी जी, काफ़ी फायदेमंद। एग्जैक्टली वो फायदेमंद होती है, लेकिन वही बात, अगर आपके हाथ उस टाइम पे वो नहीं है, आपके नेल्स का एक्सपोजर नहीं है, तो बॉडी में वो एब्जॉर्ब नहीं हो रही होती। अच्छा अब आपने विटामिन डी का सप्लीमेंट लेना है, सबसे पहले आपने फैट की कोई चीज़ कंज्यूम की हुई हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात कर लेती हूँ, आपने अंडा खाया हुआ हो और फ्राई एग था, उसमें आपने थोड़ा सा देसी घी या आपने ऑयल के साथ उसको कंज्यूम किया, ऑयल होना चाहिए। नंबर टू, उसको दूध के साथ कंज्यूम इसलिए करें ताकि कैल्शियम और वो बाइंड होकर आपकी बॉडी में जाए और आपकी हड्डियों को नुकसान ना दे सके, ठीक है। अब अगर आपने कैल्शियम और कोई भी विटामिन जो आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे आजकल बायोटिन बड़ा कॉमन हुआ हुआ है, बायोटिन हेयर नेल्स स्किन, ओ माय गॉड, हर बॉटल पे लिखा हुआ है, वी आर सो एक्साइटेड, लड़कियां तो स्पेशली उसको यूज़ करने के लिए बड़ी रेडी होती हैं, लड़के भी यूज़ कर रहे होते हैं, तो क्या वो हम जितनी देर दिल चाहे यूज़ करते जाएं कोई लिमिट नहीं है। कोई भी सप्लीमेंट है, कोई भी विटामिन है, कोई भी मिनरल है, आप अगर उसको टेबलेट फॉर्म में यूज़ कर रहे हो तो आपने कभी भी उसको बस लेते ही नहीं चले जाना। अगर आप डेली बेसिस पे ले रहे हो उसको, तो कम से कम 3 महीने के बाद 1 महीना उसको छोड़ दीजिए। अगर आप ऐसे ले रहे हो, मंडे टू फ्राइडे लिया, सैटरडे संडे ऑफ जब होता है, गोलियों को भी छुट्टी दें, अपने ना कंज्यूम करें विटामिंस, आप यू विल बी हेल्दी, आपको एक्सेस नहीं होगी बॉडी में। आपको पता है जब एक्सेस होती है आपकी बॉडी में विटामिंस और मिनरल्स की, तो भी बीमारियां आती हैं। बीमारियां सबसे ज़्यादा अटैक आपको तब करना शुरू करती हैं जब आपकी बॉडी में एक्सेस हो जाती है। यार आपको मेरी बात पसंद आ रही है जी। आपने एलर्जी की बात की, तो कौन कौन सी ओपोज हैं जिनसे एलर्जी की रिएक्शंस को कम कर सकते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में एलर्जी रिएक्शन? सॉर्ट ऑफ आप अस्थमा की बात कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको एस्थमा जो है, या आपके लंग्स में जो है आपके जो इश्यूज आते हैं, वो सबसे पहले कॉज करती है चीज़ आपकी पोल्यूशन। अगर आपको पता है आप एस्थमेटिक हैं, आपको इश्यूज हैं, सांस ख़राब होती है, सांस उखड़ती है, तो सबसे पहले मास्क लगाकर बाहर निकलें। एग्जैक्टली, ठीक है। अब खाने में आपने क्या लेना है, सबसे पहले अगर आपको ये मसला होता है, तो एज इट इज़ दूध अगर कंज्यूम आप करते हैं डेली 1 ग्लास 2 ग्लास, उसको कंजम्पशन कम कर दीजिए, क्योंकि दूध जो होता है वो हमारी बॉडी में बहुत सारे लोगों में रेशा बनाता है जो कि लंग्स में बनता है, उससे हमारा सांस लेना जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप वही दूध में हल्दी डाल लेते हैं तो वो नहीं बनने देती। बहुत सारे लोगों को दूध पीने से गैस हो जाता है, अगर वो गैस को कंट्रोल करना चाहते हैं तो वो काली इलायची के जो दाने हैं वो डेली बेसिस पे पीना शुरू कर दें, दूध को रात को कंज्यूम करना बंद कर दें, तो वो गैस उनको नहीं होगी। एज सच गैस जो है उनकी बॉडी में नहीं बनेगी, वो हेल्दी रहेंगे, उनकी बॉडी में वो मसले मसाइल जो हैं वो दरपेश नहीं आएंगे जैसे ये आ रहे होते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें, जितने भी हमारे फ्रूट्स होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स की मैं बात नहीं कर रही, सिट्रस फ्रूट्स बहुत सारे ऐसे होते हैं, जैसे लीमू है, बहुत सारे लोगों को उससे एलर्जी होती है, लेकिन हम फिर भी कंज्यूम कर रहे होते हैं, क्योंकि हम सब ने बचपन से सुना है लीमू शहद सुबह उठते गर्म पानी में पियो तो वज़न बहुत अच्छा कम हो जाता है। अच्छा मुझे प्लीज़ ये बताइएगा कि कितने लोग हैं जिन्होंने ये टोटका आजमाया हुआ है, आपने किया है? मैंने ग्रीन टी में किया था, उससे मेरा वेट बहुत लूज हो गया था,
मैंने अपना 89 से 60 केजी तक वेट लूज किया था. ओके दैट्स अमेजिंग. ग्रीन टी में किया था लेकिन वो मुझे उससे बहुत ज्यादा नुकसान बाद में मिला था. हड्डियां आई वाज वेटिंग फॉर इट. हां फिर उसके बाद जब मैंने बीच में मेडिसिन वगैरह लेना स्टार्ट किया तो उससे मेरा वेट वापस गेन हो गया था. लेकिन जब मैंने वो अपना वेट लॉस किया था तो मैंने हेल्दी डाइट फॉलो की थी. मतलब वॉक करना था, रोटी चावल वगैरह कुछ नहीं छोड़ा था, बस उनकी क्वांटिटी कम कर दी थी. That's great. तो मतलब 4 months में मैं मतलब 89 से 60 केजी तक अपना वेट लूज कर लिया. That's nice. जी जी जी. आपने बात की थी कि बच्चे ना बोलने की जैसी हैं जो आदत जी. दो बताई थी, एक नहीं बताई. मैं तीसरी भी बता देती हूँ जी. मैं फार्मास्यूटिकल में जॉब करता था तो हमारे वो कलीग है उन्होंने मुझे कहा कि बैंगलोर में रहता हूं कि मेडिसिन ला के देना और इसके लिए डिक्लोफेनाक पोटेशियम ज्यादा करते हैं. ठीक है. तो डिक्लोफेनाक सोडियम जो होता है वो डिक्लोरान में पाया जाता है, वो वैसे ही कैजुअल पीएम भी होता है. मैं उनको डिक्लोफेनाक सोडियम मतलब 2-3 दफा ला के दी, हालांकि वो क्लोरो के लगते ही नहीं है. ठीक है. उन्होंने खाई तो उनके ना माइंड में मतलब सेट हो गया कि ये जोरों की है मेडिसिन. तो वो दोबारा मुझे ना कहते कि दोबारा मुझे ला के दो फीमेल थी. मुझे याद नहीं मैंने कौन सी ला के दी थी मेडिसिन. अच्छा मैं ला के दी उनको असल वाली पोटाशियम वाली ना. ठीक है. मेडिसिन दी थी तो वो कहते बेटा इससे मुझे फर्क नहीं पड़ा, मुझे वो ला के दी थी मैंने. वो बात सही है, मैंने उसको कह दिया था. एग्जैक्टली. हाँ बिल्कुल. तो जिसपे हमारा माइंड सेट हो जाता ना तो वो भी चीज हमारे अंदर एक पैदा हो जाती है, तो उससे वो असर भी करती है सारा कुछ. होता है कि मिसाल को जैसे वो एक था तीसरा रीजन उसमें ये है कि जी हम प्रैक्टिस नहीं कराते जी. वो पूछ रहे थे कि मैंने 3 रीजंस कहे थे कि बच्चे बोलते क्यों नहीं. प्रैक्टिस वर्ड्स की. हम चाहते हैं कि बच्चा खुद ही से सीखे, खुद ही से सोचे, खुद ही से समझे, खुद ही से बोले. ठीक है. हम अगर उसको खुद बताएंगे नहीं कि बेटा इस वर्ड की अदायगी ये है तो वो वर्ड कभी भी ठीक नहीं होगा. प्रैक्टिस जो है जी. छोटा भाई है वो यूनिवर्सिटी को बोलता है यूनिवर्सिटी. हाँ क्योंकि उसको करेक्शन नहीं दी गई. इसकी एक बेहतरीन मिसाल मैं आपको ये देती हूँ कि मेरे पास एक मदर आई, उनका जो बच्चा था वो शर्ट को शॉर्ट बोल रहा था. ठीक है. मैंने वहीं पर बैठे हुए हम कुछ बात करने लगे उनकी मदर और मैं, तो वो बच्चा जो था मुझे वो फील हो रहा था कि ज़रा ना लेफ्ट आउट फील कर रहा है. तो मैंने वहीं पर उस बच्चे को 4 बार सिर्फ शर्ट बोलना सिखाया. उस बच्चे का शर्ट ठीक हो गया. वो 1 महीने बाद जब दोबारा मेरे पास अपने आई सेशन के लिए तो मैंने उस बच्चे को फिर से पूछा बेटा क्या पहन के आया हो, उसने कहा शर्ट, वो ठीक हो गया. हम प्रैक्टिस नहीं कराते. सेम इज़ द केस, हम अपनी डाइट में प्रैक्टिस नहीं करते. हम करते क्या हैं, आज किसी ने कोई चीज़ बताई है उसको डाइट में इनकॉर्पोरेट आज ही करेंगे, कल से नहीं करेंगे. इसकी एक बेहतरीन मिसाल मैं आपको ये देती हूँ. रमज़ान में मैंने किसी टीवी के साथ ट्रांसमिशन की, वहाँ पर हमने सेशन किया एक जो हमारा था, उसमें मैंने फूल मुखाने के फ़ायदे बताए. ठीक है. 2 दिन बाद मुझे पूरे टीवी में तकरीबन जी जी वैसे भी बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कहा मैं 3 किलो खरीद के लाया हूँ, मैं 2 किलो लाया हूँ, मैं इतने लाया हूँ, मैं इतने लाया हूँ. मैंने कहा ओके. मैं रमज़ान के बाद दोबारा वहाँ गई, मैंने वहाँ 4 लोगों से पूछा फूल मुखाने अभी भी खा रहे हो. ठीक. 2 ने अंदर से कहा जी, 2 ने कहा नहीं जी मैम वो तो भूल गए. भूल क्यों गए भाई, हमने प्रैक्टिस नहीं की इसलिए भूल गए. जो आदत आप अपना लेते हो, जैसे अच्छा बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं मुझे तो पानी पीना भूल जाता है. अच्छा एक छोटी सी वो एक फन चीज़ ऐड कर देती हूँ. बचपन में टीचर कहा करती थी ना होमवर्क करना भूल गए हो, कभी खाना खाना भी भूले हो. आप भूल जाते हैं क्यों, क्योंकि आप प्रैक्टिस वो हमने कर ली है कि खाना नहीं भी खाएंगे तो कोई बात नहीं पतले ही होंगे. ये नहीं पता जोड़ अपने तबाह कर लेंगे, अपना मैकेनिज्म तबाह कर लेंगे, मेटाबॉलिज्म खराब कर लेंगे, लेकिन डाइट तो फर्स्ट क्लास बहुत अच्छी चल रही है. ठीक. फूड के कुकिंग के मुताबिक मेरा सवाल है जी कि यूरोप में खैर फ्राई तो करते हैं वो लोग, लेकिन ज़्यादातर उनकी फूड जो है अमेरिकन यूरोपियन कंट्रीज की वो है बॉइल्ड किस्म की चीज़ें. तो हमारे यहाँ कुक जब करते हैं तो वो उसको बार बार भूनते हैं तो विटामिन्स डैमेज भी होते होंगे, आप बेहतर समझते हैं. अच्छा देखें हेल्दी फूड कैसे हैं. बिल्कुल. जब हम बात करते हैं खाना खाने या पकाने की, खाना पकाने के हमारे पास चंद तरीके हैं. माइक्रोवेव में बना लिया जाए, एयर फ्रायर में बना लिया जाए, चूल्हे पे पका लिया जाए, इलेक्ट्रिक चूल्हा, बेकिंग ग्रिल
या उसको कोयले पे पका लिया जाए। अब हम अगर फॉर एग्जांपल आपके घर में बैंगन करेले, मैं उन चीज़ों की तरफ आ रही हूँ, सबकी उसमें आ रही हूँ, आप अगर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने बैंगन फॉर एग्जांपल पकाए हैं, आपने भिंडी पकाई है, आपने उसको इतना ज़्यादा भुनाई कर दी है उसकी कि वो इस काबिल ही नहीं रहे कि उसके अंदर कुछ बचाओ, अब खा ज़रूर लेंगे उसको, कुछ नहीं मिलेगा। पालक जो है वो अनीमिया के लिए बेस्ट सोर्स है क्योर करने का। जैसे पालक हम पकाते हैं, आप एक महीने तक रोज़ खाएं, जाके अपना टेस्ट कराएं, आपके अनीमिया में एक पॉइंट का फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने पकाया जो है वो हमने पकाया ही ऐसे कि हर चीज़ ज़ाया कर दी है। अब वहाँ बात हम करते हैं माइक्रोवेव और एयर फ्रायर की। मैंने जब माइक्रोवेव का नाम लिया तो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया, जो कि बिल्कुल ठीक पसंद नहीं आया। जब हम बात करते हैं माइक्रोवेव की तो वो बहुत सारी बीमारियां हमारी बॉडी में एयर फ्रायर और माइक्रोवेव जो है वो प्रोड्यूस कर देते हैं, जिसमें सबसे बड़ी गलती हमारी खुद की है। गलती क्या है? माइक्रोवेव में हम बोल्स कौन से रखते हैं? प्लास्टिक, प्लास्टिक की प्लेट्स, जो मिला वो हमने रख दिया। प्लास्टिक मेल्ट होके आपके खाने में मिक्स होके आपके अंदर जा रहा है, और हर घर में माइक्रोवेव जो है वो किसी भी कंपनी का है, महंगे से महंगा, सस्ते से सस्ता, सब यही काम कर रहे हैं। अगर आपने माइक्रोवेव बहुत यूज़ करने हैं, उसके बगैर गुजारा नहीं है, तो प्लीज़ सिर्फ जो है अपने शीशे के बोल उनको यूज़ करें, ठीक है। और इवन माइक्रोवेव सेफ जो मिल रहे होते हैं ना ऑप्शंस, उनको भी बाय ना करें, सब फजूल है, बेकार है, लेने की ज़रूरत नहीं है। और एयर फ्रायर की जब हम बात करते हैं, पिछले दिनों मैं खुद एयर फ्रायर को बहुत ज़्यादा इंडोर्स करती थी, इसलिए क्योंकि मुझे लगता था कि दिस इज़ द हेल्दीएस्ट ऑप्शन जिसको आप खा सकते हो। इट्स नॉट हेल्दी एट ऑल। मैंने इस पर बहुत सारी रिसर्चेस पढ़ी हैं, खुद उसको टेस्ट भी किया है कि एक इतने छोटे से एरिया में जब एयर फ्रायर में आप खाना डालते हो तो एयर को सर्कुलेट करने का टाइम ही नहीं मिलता, वो खाना जो है उसके जो फ्यूम्स उड़ते हैं उनको कहीं सेटल डाउन होने का टाइम नहीं मिलता, वो भी आपके जिस्म में बीमारियाँ बना रहे हैं। तो फिर अच्छा, बारबेक्यू की अगर हम बात करें, कोयले पे जब आपका तेल गिरता है, चर्बी गिरती है, वो स्मोक जो है वो आपके लिए जहर है, तो क्या खाएं? खाएं क्या और कैसे खाएं? बेकिंग इज़ द सेफेस्ट ऑप्शन। इलेक्ट्रिकल की मैं बात नहीं कर रही, मैं गैस वाले की बात कर रही हूँ। बेक जब आप कर रहे हो, आप उसकी एक ट्रे, फॉर एग्ज़ाम्पल बेकिंग की मैं वेजिटेबल्स में भी बता देती हूँ और चिकन में साथ ही हम मिक्सअप कर लेते हैं। आपने चिकन, मटन, बीफ कुछ भी लिया, उसके फिलेज ले लीजिए, बेशक उसको हड्डी वाला ले लें, जो आपको पसंद है वो ले लें, एक साइड पे वो रख लें, दूसरी साइड पे अपने वेजिटेबल्स रखें, उनको ऑयल, ऑलिव ऑयल के साथ थोड़ा सा चाहिए, उसको ड्रिजल करें, अपने मसाला जात लगाएं, बेकिंग ट्रे को ओवन में रख दें, आप उसको बेक करें फॉर 40 to 45 मिनट्स, आपका चिकन, मटन, बीफ जो भी होगा वो अच्छी तरह प्रॉपर टेंडर और कुक हो चुका होगा। और प्लीज़ कच्चा मीट ना खाया करें। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जी बाहर से खाना ऑर्डर किया, मीट कच्चा आया, लेकिन अब क्या करें, पैसे लगाए हुए खाना पड़ेगा। बिल्कुल मत खाएं, घर पे बना है, बाहर से आया, जो कच्चा है वो कच्चा है, कच्चा गोश्त बिल्कुल भी कंज्यूम ना करें, आपके लिए वो जहर है। आपने ये देखा है कि हम बात कर रहे थे कि कैंसर जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन जहाँ मैं बात करूँ, मैं जिस फ्रूट के बारे में बात करती हूँ, वेजिटेबल्स की बात करती हूँ, मैं ये कहती हूँ कि वो आपको कैंसर से बचाता है, एंटीऑक्सीडेंट्स उसमें बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। आप फ्रूट का नाम लें, मैं आपको बताती हूँ कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। आप वेजिटेबल का नाम लें, मैं आपको बताती हूँ उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो हैं वो अल्लाह ताला ने इस तरीके से डिज़ाइन किए हैं कि वो आपकी बॉडी को प्रिवेंट करते हैं बीमारियों से। तो जब प्रिवेंशन हो रही है तो फिर हम ठीक क्यों नहीं हो रहे? नंबर वन चीज़, जो फ्रूट वेजिटेबल को पकते हुए उसकी प्रोडक्शन में पानी लगाया जाता है, उसमें जो लेड आ रहा है, यानी गंदा साफ जो पानी जिस तरह का भी लग जाता है, और लेड एक दफ़ा अगर आपकी बॉडी में एंटर हो गया, चाहे वो बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, जो भी है, वो आपके सारे ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, तो फिर क्या करें? सवाल तो ये है ना कि अगर फ्रूट्स भी ना खाएं, वेजिटेबल्स भी ना खाएं, बेक्ड भी ना खाएं, माइक्रोवेव में भी ना खाएं, तो खाएं क्या? आखिर क्या चीज़ है जो हेल्दी है? जो चीज़ आपने अपने हाथ से, या आपकी माँ ने, माँ से ज़्यादा कोई बंदे को नहीं दे सकता साफ चीज़, आपने, आपकी माँ ने आपके लिए खुद प्रिपेयर की है, वो हेल्दीएस्ट है, उसको खा लें। दूसरी चीज़ ये कि आपने फ्रूट्स वेजिटेबल्स जब भी मार्केट से बाय करके लाने हैं, उनको कम से कम 5 से 10 मिनट पानी में डिप करें,
उसको पानी को ड्रेन कर दें, फिर से पानी डालें, उसमें थोड़ा सा विनेगर डालें, थोड़ा सा नमक डालें और उसको ऊपर से कवर कर दें। फ्रूट्स वेजिटेबल्स दोनों की मैं बात कर रही हूँ, उनको 10 से 15 मिनट रखें, उसके बाद उस पानी को ड्रेन करें, अच्छी तरह फ्रूट वेजिटेबल को साफ़ करें और फिर उसको कंज्यूम करें। बहुत हद तक बीमारियां जो हैं हम उसको कंज्यूम, यार आप लोग परेशान ही हो गए हैं, अब मैं क्या करूँ। क्या होते हैं? बिल्कुल एंटी ऑक्सीडेंट जो होते हैं वो फ्रूट्स में ज़्यादा होते हैं। अब बहुत सारे क्या चीज़, गाजर, बिल्कुल गाजर में विटामिन ए जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, इनमें विटामिन सी ज़्यादा प्रेजेंट होता है जो आपकी बॉडी में ब्लड प्रोडक्शन और वैसे भी बहुत अच्छे होते हैं। अनार और उसकी आपके अमरूद की बात कर रहे हैं। अब हमारे यहाँ एक ट्रेंड चलता है कि जी सबसे ज़्यादा विटामिन सी ऑरेंज में होता है, लीमू में होता है, सिट्रस में होता है। क्या ही ऐसा हो, मैं आपको बताऊँ, अमरूद में विटामिन सी सिट्रस से भी ज़्यादा होता है। इट इज़ ऑल योर रिसर्च एंड योर थिंग्स जो आप प्रैक्टिस करते हो और आपको लोगों में दे दे के और कर कर के पता चलता है कि क्या चीज़ आपको बेस्ट रिजल्ट्स दे रही है। अब आपने उसमें देखा होगा कि बहुत सारे जो गूगल पे भी प्लान्स होते हैं, डाइटिशियंस भी देते हैं, उसमें वेजिटेबल्स की क्वांटिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा दी जाती है। कभी आप लोगों ने सोचा है कि क्यों दी जाती है? आइदर वो वेट लॉस का प्लान हो, आइदर वेट गेन का प्लान हो, किसी डिजीज़ मैनेजमेंट का प्लान हो, बहुत ज़्यादा उसमें वेजिटेबल्स दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं वेजिटेबल्स? सबसे पहली चीज़ एंटीऑक्सीडेंट, वही बात आ गई। नंबर टू, फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होगी, कॉन्स्टिपेशन इज़ मदर ऑफ ऑल डिजीज़, आपकी बॉडी में कोई मसला भी नहीं है लेकिन अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आपको हर बीमारी हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन को कैसे हल करें? मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन जो है वो कुछ तकरीबन आप समझ लें 10-10 साल से चल रही होती है। ठीक है, कैसे कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट कर सकते हैं? कॉन्स्टिपेशन का बेहतरीन हल आप लोगों में से कोई बता सकता है? लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो फाइबर डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे होते हैं फिर भी असर नहीं हो रहा होता। वॉक, सॉरी यार, हेल्दी चीज़ों की तरफ आओ ना, खाने पीने में बताओ। आप तो अब उन सॉल्यूशंस पे चले गए हो, आखिरी स्टेज आ गई है, अब कुछ नहीं है देने को, तो चलो जी हम ये देना शुरू कर दें। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, कोई भी आपके इर्द गिर्द बंदा है, आपको उसका पता है कि उसको कॉन्स्टिपेशन है, उसको ये तीन से चार चीज़ें ये ज़रूर बताएं। नंबर वन, पानी का इनटेक बहुत अच्छा करें, आपकी पूरी बॉडी को पानी जो है वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। नंबर टू, आपने अगर कॉन्स्टिपेशन बहुत हद तक चल रही है पिछले कोई, जैसे मैंने बात की 3-4 साल, ये कभी भी है, कॉन्स्टिपेशन का सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट जो मुझे लगता है वो ये है, लहसुन ले लीजिए, ठीक है, उसको पील ऑफ करें, छोटे छोटे उसके टुकड़े करें, मुंह में रखें, ऊपर से पानी पी दें। अगर आपका ब्लड थिक होता है ये उसको भी ठीक करता है, आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल यूरिक एसिड है ये उसको भी ठीक करता है, ब्लड प्रेशर को भी मैनेज करता है, आपके वेट लॉस में भी हेल्प करता है। लहसुन आपके लिए एक समझे जादू की छड़ी है, अगर आप उसको चला देते हैं तो आप देखेंगे कि बेहतरीन रिजल्ट जो हैं वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। कॉन्स्टिपेशन तो ये ख़त्म बिल्कुल जड़ से कर ही देता है। नंबर थ्री चीज़ जो है, आप इंजीर का अगर इस्तेमाल करते हो तो इंजीर आपकी कॉन्स्टिपेशन को बहुत हद तक ख़त्म कर देती है। इंजीर का इस्तेमाल कैसे करना है? रात को पानी में, दूध में अच्छी तरह धोकर डिप कर दीजिए, सुबह उठेंगे वो नरम हुई हुई होगी, 3 से 4 इंजीरें डेली बेसिस पे इस्तेमाल करना शुरू कर दें, आप देखेंगे कि आपकी कॉन्स्टिपेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी विद इन फ्यू डेज। ठीक है, अगर आप दूध में आपने डिप की थी वो दूध भी आप पी सकते हैं, अगर किसी वजह से आपको इंजीर खाना नहीं पसंद आप उसी दूध में उसको ब्लेंड करके ले सकते हैं, पानी में ब्लेंड करके ले सकते हैं, कुछ भी और डालने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल यही। अब अगर हम ये कहते हैं कि चौथी चीज़ क्या हो, तो हाँ वो बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि वेजिटेबल्स और फाइबर का इंटेक जो है वो डेली बेसिस पे अपनी डाइट में करें, लेकिन कच्ची सब्जियों के सलाद की मैं बात कर रही हूँ। कम अज़ कम खीरा कितने का आता होगा? 1 से 2 खीरे अगर आप डेली बेसिस पे कंज्यूम कर लें, प्याज खा लें, गाजर खा लें, गोभी खा लें, तो आप बहुत हद तक खुद को जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। अब इंजीर की बात आई है तो मुझे एक उससे बड़ा मज़ेदार बात याद आ गई है। जो भी इंसान हमेशा जवान रहना चाहता है और ये चाहता है कि उसके फेस पर रिंकल्स ना आए,
उसके फेस पे जो झुर्रियाँ पड़ रही होती हैं वो ना आए, वो अगर डेली बेसिस पे इंजीर और जैतून का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में जो एजिंग हॉर्मोन्स होते हैं वो स्लो डाउन हो जाती है, उनकी प्रोडक्शन वो बहुत हद तक आपको कंट्रोल कर लेते हैं और आप उससे जो है वो बच सकते हैं। अब यही दो चीज़ें हैं अगर हम देखें कुरान पाक में भी इनका इकट्ठा जिक्र आया है, ठीक है, और दोनों ही पाक हैं, साफ हैं और आपके लिए बेहतरीन हैं। अब हम बात करेंगे कि जी जैतून तो खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता, टेस्ट अच्छा नहीं, बहुत सारे लोग खा भी लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये होता है ग्रीन वाला ऑलिव खाएं, ब्लैक खाएं, सफ़ेद सा जो एक आता है वो खाएं, क्या खाएं? आप कोई सा भी जैतून खा सकते हैं। जैतून अगर खा नहीं सकते तो जैतून का तेल इस्तेमाल कर लीजिए, सिंपल अपना जो आप जो हो सैलेड आपने डेली बेसिस पर बनाया उसके अंदर जैतून काट के डाल लीजिए, नहीं तो उसके ऊपर एक चम्मच जैतून जो है वो स्प्रिंकल कर लीजिए, उसको एज इट इज़ कंज्यूम करें, आपके लिए बेहतरीन हो जाएगा। कोई और सवाल किसी का है? उसके लिए मैंने हल्दी का दूध बताया। हाँ, पानी में भी उसमें ना बार बार बाथरूम में जाना पड़ता है, तो पानी वो बिल्कुल पानी का ग्लास है थोड़ा सा पीते हैं, तो मैं वो कहता हूँ कि पूरा ग्लास पिया करें इसमें आप। बेसिकली जैसे जैसे आप एज करते जाते हो ना, आपके बॉडी के जितने भी आप समझो ब्रेन से लेके पांव तक सारे के सारे ऑर्गन्स वीक होते जाते हैं। सेम इज़ द केस विद द यूरिनरी ट्रैक, ठीक है। अब यूरिनरी ट्रैक को ठीक करने का वाहिद एक जो ताकत देने की चीज़ है वो है तिल। तिल को किस तरह से इस्तेमाल करना है, घर पर सिंपल गुड़ ले लीजिए थोड़ा सा, उसको मेल्ट करें, उसके अंदर तिल डालें, उसको मिक्स कर लें और उसको डेली बेसिस पे इतनी सी बेशक खाएं, खाना शुरू कर दें, जिसको हम सॉर्ट ऑफ गचक भी बोलते हैं, लेकिन घर पे बनाएं, प्लीज़ घर पे खुद बनाएं, बाहर से ना लें, सिर्फ एक सेकंड। आप उसको डेली बेसिस पे इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी वालदा के जोड़ों की दर्द भी बेहतर हो जाएगी और जो यूरिन का बार बार आना का मसला है वो भी ठीक हो जाएगा। जी आप कुछ पूछ रहे थे? मैडम मेरे दो क्वेश्चन जी, मैं नॉन वेज, लेकिन आप दो पूछेंगे तो मैं तो थक जाऊंगी। जी मैं ना नॉन वेज हूं, ठीक है, बहुत बार ट्राई किया है कि मैं सब्जियां खाना स्टार्ट करूं, ठीक है, पर मैं नहीं कर पाया, ठीक है, तो उसका क्या उसका अल्टरनेटिव कोई? नॉन वेज क्यों है, मतलब जब आप सब्जी खाते हैं तो क्या होता है? मैंने बचपन से ही कभी नहीं खाई, और अगर फॉर एग्जांपल मैं खाता हूं, लेट्स सपोज कि आज घर में सब्जी बनी है, ठीक है, पहले तो बात है कि मेरे होते हुए बनती नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल बने और मैं खाऊं, लेकिन मैक्सिमम कोई मैं 10-15 मिनट सर्वाइव कर पाऊंगा, उसके बाद मुझे दोबारा खाना पड़ेगा, अगर मैं नहीं खाऊंगा तो मेरी बॉडी रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगी, मीन कि सर में दर्द हो गया या ओवरऑल मुझे भूख लगेगी दोबारा, जब तक मैं वो नहीं खाऊंगा जो मैं खाना चाहता हूं तब तक ही सिचुएशन रहेगी। ये तो आपके माइंड की ट्रेनिंग है, माइंड की गेम है, आपने सोच लिया है कि मैं वेजिटेरियन हूँ, मुझे सब्जी खाना पसंद है, अगर मैं सब्जी गोश्त खोर हूँ मुझे गोश्त नहीं मिलेगा मैं सर्वाइव नहीं कर सकता, ऐसा तो नहीं होता। अच्छा दूसरा क्वेश्चन क्या है फिर, मैं दोनों को इकट्ठा। सेकंड ये कि ना जब हम काफी देर के लिए एक स्टैंडस्टिल पोजीशन में होते हैं लाइफ में, अगर ऑफिस में बैठा हूं तो मैं इसी तरह बैठा हूं और मैं अपनी बॉडी को हिला नहीं रहा, तो वो ना वहां पर काफी, जब मैं दोबारा उसे मूविंग कंडीशन में जाऊंगा या मैं हिलाऊंगा तो मुझे बहुत ज्यादा पेन होता है। लाइक अगर फॉर एग्जांपल आप सोए भी हुए हैं, अच्छा इसका मेरे पास जो है ना एक वो बहुत एक रिसर्च भी है कि अगर आप एक महीने तक अपनी बॉडी को मूव नहीं करते आपके मसल्स इतने ज़्यादा जाम हो जाते हैं कि आपको वापस उसको लाने में कम से कम 10 साल लगते हैं, 10 साल मसल की मूवमेंट, ठीक है। मैं जब भी बात करती हूँ कि आप ऑफिस में बैठे हुए हो 7-8 घंटे बैठना, मेरी खुद बैठने की जॉब है, क्या करें हर एक घंटे के बाद आधे घंटे के बाद अकॉर्डिंग टू योर स्टाइल कि आपकी जॉब की क्या है, उठ के वॉक करें, क्या करें मैक्सिमम यहाँ से चल के वापस आके बैठ जाएं अपनी चेयर पे, पानी पिए, बाहर से हुआ है स्टेयर्स क्लाइम कर लें, कुछ भी ऐसा जो आपको एक्टिव रखे वो करें। आपकी बॉडी में अगर तो सो के जब आप उठते हैं उसी टाइम बहुत ज़्यादा दर्द हो रही होती है, दिस कैन बी अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन योर बॉडी, ठीक है। लेकिन अगर आप टेस्ट करवा सकते हैं तो बेहतरीन है, आप टेस्ट करवा लीजिए, अगर नहीं तो आप उसको जो है अपनी डाइट में वैसे ही सप्लीमेंट को ऐड कर लें, क्योंकि हम अगर बात करें अपने पाकिस्तानियों की विटामिन डी में हम सभी डेफिशिएंट होते हैं, औरतें तो स्पेशली होती ही हैं, मर्द हजरात भी बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट होते हैं, तो आप उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। जी सिर्फ एक सेकंड, मैं ये
प्याज खाए अच्छा लेकिन मैदे का असर भी फिर हो जाता है, मैदा भी हमें डॉक्टर कहते हैं आपके मैदे में जमा मार दिया गर्म अच्छी तरह अच्छा पहली चीज ये आपका सवाल है कि जो प्याज है वो दिन टाइम खाना सेफ है रात को खाना सेफ नहीं है ठीक है। रात को खाने से इसलिए मना किया जाता है क्योंकि आप प्याज खा लेते हो लेकिन उसको हजम नहीं करते हो, प्याज को हजम करना भी एक टास्क है ठीक है। दिन में उसके बाद आप फिजिकल एक्टिविटी करते रहते हो प्याज हजम हो जाता है, रात को जब आप खाते हो आप खाते या तो लेट जाते हो या बैठ जाते हो, प्याज बॉडी में हजम नहीं होता, इसलिए अक्सर लोगों को उससे जो है ना हम मना करते हैं कि आप रात को कंज्यूम ना करें। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आप रात को खा के चहलकदमी करेंगे चल फिर लेंगे तो प्याज रात को आपके लिए नुकसानदेह नहीं है ठीक है। ये नहीं है कि आज सच प्याज नुकसानदेह है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी ना होना उसके लिए नुकसानदेह है। दूसरा सवाल आपका ये है कि रात सॉरी क्या था हाँ पानी की आपने बात की। सबसे पहली चीज़ पानी एक वाहिद चीज़ है जो आपके जिस्म में कोई बीमारी एज सच कॉज नहीं करता और मैदे का अल्सर तो कभी भी नहीं करता। मैदे का अल्सर क्यों होता है, आप अगर पानी में बहुत ज़्यादा सेब का सिरका या सिरका डाल डाल के पियेंगे तो हाँ मैदे का अल्सर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं ठीक है। जिसको हम वेट लॉस के लिए देखते हैं कि बहुत पीक पे आजकल हम ये देख रहे होते हैं जी ये टोटका चल रहा है, सुबह सुबह उठें पानी में सेब का सिरका डालें पी लें, सबसे पहली चीज़ आपका टूथ इनेमल दांत जो है ना वो तबाह हो जाएंगे। नंबर टू आपके मैदे के अंदर वाकई ही स्टमक अल्सर्स और मैदे के अल्सर्स होने के चांसेज जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं ठीक है। लेकिन अगर आपने पानी गर्म पिया है इतना है कि आपका जो जो ज़ुबान है उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया है और आप उसको कंज्यूम कर रहे हो तो आपका बॉडी यहाँ से नीचे इसलिए वो गर्म फील नहीं होता क्योंकि बॉडी का ऑलरेडी टेम्परेचर गर्म होता है ठीक है। आप उसको जब कंज्यूम करते हो इसलिए वो आपको फ़ील नहीं होता। गर्म पानी पीना नुकसानदेह नहीं है, वो आपके लिए फ़ायदेमंद ही है। और जैसे कॉन्स्टिपेशन की मैं पहले बात कर रही थी, जिन लोगों में बाउल मूवमेंट बहुत स्लो हो जाती है वो उसको भी स्पीड अप करता है, इवन आपका मेटाबॉलिज्म तब को स्पीड अप कर देता है जी। ठीक है आप न्यूट्रिशन के स्टूडेंट हो, किससे सुना है कि एक सर्विंग जो है वो इनाफ है? रिसर्च में तो नहीं पढ़ा, वैसे ही आपने देखा है गूगल सर्च में, रिसर्च और गूगल सर्च में पढ़ने में फर्क है ठीक है। अच्छा देखो राइस रोटी चावल अनाज ओट्स दलिया दालें ये सब हमारे कार्ब्स में आती हैं ठीक है। कार्ब्स जो हैं वो आपके लिए कभी भी बुरे नहीं होते और एक सर्विंग उसमें ये लिखा होगा कि 12 टेबल स्पूंस या वन बोल या उसके इक्विवेलेंट कुछ भी आपने पढ़ा हुआ होगा वहाँ पे, एक सर्विंग से ज़्यादा आप ले सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर बॉडी टाइप। आपकी बॉडी किस चीज़ में कितनी फ़ायदेमंद है या कितना वो आपको नुकसान दे रही है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी हाइट माइट भी 5'11" हो या 6 हो और आपका वेट जो हो वो 65 हो, आप डेली बेसिस पे अगर अपना प्रोटीन पोर्शन या कार्ब पोर्शन जो है कार्ब्स पोर्शन आप 60-70% भी लेते हो तो दैट इज़ फाइन दैट इज़ हेल्दी। हम ये बात करते हैं कि कार्ब्स तो ऑलवेज हम जब भी डाइट प्लान बनाते हैं, ये मेरे पास न्यूट्रिशन के स्टूडेंट्स बैठी हुई हैं वो बता सकती हैं कि जब हम फॉर्मुलेशंस कर रहे होते हैं, किए हैं फॉर्मुलेशंस ये नहीं किए अभी अभी नहीं आपने किए हैं फॉर्मुलेशंस जब हम कर रहे होते हैं हम उसमें ये देखते हैं कार्ब की क्वांटिटी हम हमेशा ज़्यादा निकालते हैं, लेकिन हमने इतना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स को बुरा बना दिया हुआ है ना कि हर बंदा कार्ब से बचना चाहता है और हर बंदा प्रोटीन की तरफ भागना चाहता है क्योंकि कीटो डाइट्स आर वेरी फ्रेंडली एंड वेरी इन नाउअडेज। लेकिन कीटो डाइट करती क्या है, एक्सेस प्रोटीन आपको पता है आपके गुर्दे तबाह कर देता है। बहुत सारे लोगों में आपने देखा होगा जो गोश्त खो रहे हैं उनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आती हैं वो आ रही होती हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद होती ही नहीं है। इसलिए हर पोर्शन आप एक प्लेट ले लीजिए, माय प्लेट का कॉन्सेप्ट चलता है, आप इसको देख सकते हो गूगल पे जाके भी, सिंपल आप माय प्लेट लिखोगे तो वो आपके सामने आ जाएगा। प्लेट आप लिखो उसके अंदर एक पोर्शन कार्ब का बना हुआ होगा और कार्ब का पोर्शन सबसे बड़ा होगा, साथ प्रोटीन्स और वेजिटेबल्स का पोर्शन आप लो, तीनों चारों चीज़ों जब आप प्लेट में डालोगे तो आप खुद ही फुल हो जाओगे।
हम करते पता है क्या, दाल चावल खा रहे हैं ना, चावल दाल ख़त्म, आज या मैं नहीं या दाल चावल नहीं, बिरयानी खा रहे हैं तो चावल गोश्त, आज या तुम नहीं या हम नहीं, ठीक है। खाने का तरीका क्या है, चावल अगर आप खा रहे हो अपनी प्लेट के तकरीबन 1/4 से थोड़े से ज़्यादा चावल लीजिए, बाकी पोर्शन दाल है, अगर फॉर एग्जांपल चिकन है, मटन है, बीफ है, वो ले लीजिए, और उसके बाद सलाद डालिए, रायता डालिए और फिर उसको कंज्यूम कीजिए। जी बीपी हाई या लो हो जाए, बीपी का कोई पेशेंट हो या वैसे ही बीपी हाई लो, बीपी हाई लो, अच्छा देखो जो पेशेंट है उसमें तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि उसका बीपी नॉर्मली हाई रहता है या लो रहता है, ठीक है। अगर बीपी का पेशेंट नॉर्मली हाई रहता है तो आप उसको, जैसे हम, मैं अक्सर ये बात करती हूँ, साइंस ठंडा गर्म नहीं मानती, मैं मानती हूँ, ठीक है। जो ठंडी चीज़ें हैं जैसे चिया सीड्स हैं, तुमलंगा है, आप उनको वो इंट्रोड्यूस कराइए, उनका बीपी बहुत हद तक लो रहेगा, ठीक है। उसके अलावा इस्बगोल का छिलका जो है आप उसको डेली बेसिस पे इनकॉर्पोरेट कराना शुरू कर दीजिए, बीपी मैनेजेबल रहेगा, मेंटेन रहेगा। जिन लोगों का बीपी लो रहता है उनको डेली बेसिस पे एग लाजमी तौर पे कंज्यूम कराइए, पूरा होल एग। जी हाफ बोतल ले लीजिए, बाकी पानी डाल लीजिए, चले आप कर लीजिएगा। सिर्फ एक सेकेंड, अच्छा अगर आप सादा पानी भी पीते हो ना बीपी हाई हुए में, तो पानी बॉडी में जाते ही बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल करना शुरू कर देता है, ठीक है। ठंडे कमरे में आ जाओ, बीपी हद तक कम हो जाता है, टांगे ऊपर कर लो, बीपी कम हो जाता है। उसके अलावा बीपी को मैनेज करने के लिए डेली बेसिस पे अगर ये सीड साइकिलिंग और आप शुरू कर देते हो तो मलंगा, तो आपका बीपी नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। जी जी आपने एक तो चीनी का इस्तेमाल आपने कहा कि वो बिल्कुल खत्म करना, तो उसमें कोई थोड़ी बहुत गुंजाइश है कि नहीं, और अगर इस्तेमाल कर लेते हैं तो फिर उसके असरात कैसे खत्म करते हैं? अच्छा देखें, बाजरों की चीज ऐसी मतलब बंदा खा लेता है तो उसे अच्छी लग रही है, टेस्ट उसका अच्छा है तो खा लिए। चीनी का बेस्ट ऑल्टरनेट स्टीविया नेचुरल स्वीटनर हमारे पास आता है, आपने कोई भी खीर बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, उसके अंदर स्टीविया डालिए, उसको पका लें, वो सेम आपको मीठा वही टेस्ट देगा, नुकसानदेह भी नहीं होगा, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आप बेकरी आइटम कुछ घर पे क्रिएट कर रहे हैं, केक्स, पेस्ट्रीज, आप उसके अंदर भी स्टीविया को इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पे भी मैं ये चीनी की बात करती हूँ ना, आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, जिसने मुझे ये क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया, तो क्या आप नहीं खाती? मुझे ये बहुत सवाल आता है कि अगर आप हमें मना कर रही हैं तो आप क्या खुद चीनी नहीं खाती? मैं आगे से उसमें ये जवाब लाजमी देना पसंद करती हूँ कि मुझे छोटे होते से ही ना चीनी डेफिशिएंट रखा गया है, मुझे ना कभी दही में चीनी दी गई, ना लस्सी में चीनी दी गई, ना दूध में चीनी दी गई, ना दूध सोडे में, ना फ्रूट चाट में, मुझे किसी चीज़ में चीनी नहीं दी गई, मुझे आदत ही नहीं है, मुझे मीठा पसंद ही नहीं है, क्योंकि मुझे मीठा कभी दिया ही नहीं गया, मुझे मीठे के टेस्ट का ही नहीं पता। अच्छा चीनी को महंगे होने के लिए ना छोड़ें, चीनी को इसलिए छोड़ें कि आपके लिए नुकसानदेह है। दूध अगर आप किस लिए पी रहे हैं ये डिपेंड करता है, अगर आपको रात को नींद नहीं आती तो दूध आपके लिए बेस्ट सप्लीमेंट हो सकता है जो आपको नींद आने में हेल्प आउट करे, ठीक है, रात को पिए। अगर आपको लगता है कि मुझे बेहतरीन नाश्ता करना है तो दूध दिन में पिए, अगर आप कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हैं तो दूध को बलाई उतार कर इस्तेमाल करें, और प्लीज़ खुदारा डब्बे वाले दूध का इस्तेमाल मत करें, फ्रेश दूध लें, फ्रेश इस्तेमाल करें, ताज़ा नेचुरल चीज़ों के लिए आए। अब आप कहेंगे ताज़ा दूध भी नहीं मिलता फिर भी वो डब्बे वाले दूध से बेहतर है, मैं आपको बताऊं, अगर मिक्सिंग भी मिल रही है ना तो भी वो डब्बे वाले दूध से बेहतर है। अच्छा देखिए मेरी बात सुने, हम लोगों की, जी जी
जैसे बच्चे या बच्चों में भूख का नाम लगना, मोस्टली मेरा बच्चा 11 साल का कहता मेरी टांगे दबाए, तो मैं दबा देता हूँ, मैं कहता हूँ आप 11 साल के बस थोड़ा सा चले थक गए। अब उनको क्या चीजें हैं जो डेली रूटीन में दें, एक तो भूख लगे और दूसरा ये चीज़। अच्छा, भूख का ना लगना और इतनी छोटी उम्र में 10-11 साल की उम्र में बच्चों का थक जाना और आपका बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार रहना, पहला तो ये साइन है कि आपको भूख इसलिए भी नहीं लग रही क्योंकि आपने अपने बच्चे में ये प्रैक्टिस ही नहीं बनाई कि खाना किस टाइम खाना है, खाना कितना खाना है, खाने की रूटीन को सेटल नहीं किया गया। अगर आप खाने के टाइमिंग फिक्स कर दें अपने बच्चे के, जैसे ही वो टाइम होगा आपके बच्चे को भूख लग जाएगी, सुबह 8, दोपहर 2, रात 8, तीन टाइम फिक्स कर दें, सुबह दोपहर शाम ज़रूर दें, बिल्कुल दें, भूख उस टाइम लगेगी, हमारी बॉडी एंजाइम्स उस टाइम पर रिलीज़ करना शुरू कर देती है कि आपको भूख लगती है। नंबर 2, जो थकावट का शिकार रहते हैं उनको अच्छी चीज़ें यानी ताज़ा खजूर का डेली बेसिस पे इस्तेमाल करें, बहुत बेहतरीन है उनके लिए। जी मैम, एक आपने बताया था कि मतलब कुछ होते खानों से हमें एलर्जी होती है, अक्सर हम बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि आप फ्रूट्स वगैरह खा लिया करें। अब मतलब ऐसे होता है कि जब हम बीमार होते हैं, मैं लास्ट वीक बहुत ज़्यादा बीमार थी तो मुझे डॉक्टर ने कहा कि फ्रूट्स वगैरह खा लो, मैं जब फ्रूट्स लेने गई तो उसको देख के मेरा दिल इतना ख़राब हो गया कि मैंने नहीं लिया। तो फिर उसमें मतलब क्या करना चाहिए, मतलब फिर भी ज़बरदस्ती फ्रूट्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? देखो, मैं इस चीज़ की कायल हूँ कि अगर अच्छी चीज़ खाने में ख़ुद के साथ ज़बरदस्ती भी करनी पड़े तो कर लेनी चाहिए, लेकिन अगर आप एलर्जिक हो, जैसे मैंने पहले कहा दूध से एलर्जी है और आप दूध पी रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप फ्रूट्स ख़रीद लो उस टाइम पे, लेकिन उस टाइम पे ना खाओ, 2-3 घंटों बाद आपकी वो जो स्मेल और वो माइंड में चीज़ बैठी हुई थी वो बहुत हद तक कम हो जाती है, उस टाइम पे उसको कंज्यूम कर लो। और इसके अलावा कहा जाता है कि फ्रूट जूसेस जो है वो इतने अच्छे नहीं होते, अगर हम फ्रेश फ्रूट के जो जूस होंगे वो घर में बना लेंगे और उसमें चीनी वगैरह ऐड करेंगे तो क्या तब भी वो मतलब? अच्छा, फ्रेश फ्रूट का जो जूस है वो हेल्दी क्यों नहीं है? वो हेल्दी इसलिए नहीं है कि हम जूसर में जूस बनाते हैं, सारा फाइबर निकल जाता है, पीछे सिर्फ शुगर कंटेंट बचता है। वो होता तो ऑरेंज का जूस, सेब का जूस, फ्रेश जूस होता है, लेकिन फाइबर सारा निकल गया तो उसका फ़ायदा ही कोई नहीं है। शुगर फिर वैसे चीनी चम्मच मुंह में डालें और चीनी खा लें, एक ही बात है, उसमें से लो उसमें से लो, एक ही चीज़ है। जी तो उसको किस तरह बनाया जाए फिर? वो उसको ब्लेंड तो करना ही होता है ना? देखो, अच्छा एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है, फ्रूट खाना, फ्रूट ब्लेंडर में डालना, फ्रूट जूसर में डालना, तीन डिफरेंट चीज़ें हैं। सबसे बेहतरीन है फ्रूट खाना, ठीक है, फ्रूट जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में कंज्यूम करें तो बेहतरीन है। जूसर में डाल देंगे तो सब कुछ निकल गया, पीछे सिर्फ शुगर कंटेंट बचा, उसका फ़ायदा नहीं है। नंबर 3, अगर आप शुगर लेते हो अपने जो जूसर में डालते हो ब्लेंडर में, फ्रूट को दूध के साथ या आप ब्लेंड कर लेते हो पानी के साथ या किसी चीज़ के साथ, तो सम एक्सटेंट वो बेहतर है, लेकिन फिर भी फ्रूट खाए जैसा उसके भी रिजल्ट्स नहीं है। जी अच्छा, मैं मेरा सवाल ये है कि आपने पहले बताया था कि अनुमान के लिए दूध में हल्दी डालकर पिए तो बलगम नहीं पैदा होती, तो मैं ये करता हूँ, तो यानी कि नेक्स्ट जब मौसम चेंज होता है सीजन, तो जिसमें मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ हमारे जो रसूल, तो अब यानी कि दूध में इतना तो आपने हल्दी डाल दिया है, तो साथ यानी हमने बनाना वगैरह और राइस वगैरह खाने, तो इसका क्या होता है? अच्छा, बनाना देखो वो वाकई ही अस्थमा पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा तंग करता है। अब जो अस्थमा पेशेंट्स हैं, आप कह रहे हैं आपने गेम भी करनी होती है और करनी है, अगर आप अपनी डाइट में अदरक ऐड कर लो, चाहे अदरक का छोटा सा पीस लो मुंह में डालो और उसको चबा के खा लो या पानी के साथ पी लो, वो भी बहुत हद तक अस्थमा जो है आपकी बॉडी में क्योर कर जाता है। जी के बाद जो चाय का हमारी डिस्कशन पहले चल रही थी तो उसका बता रहे हैं, और बाद में लंच का डिनर का बता रहे हैं। आपने आगे बोलने ही नहीं दिया था तब मुझे। अच्छा मैं, हाँ जी, मैं मेरा क्वेश्चन ये है, आपने कहा कि बच्चों को हम जो मतलब फायदा होते हैं बच्चे
शुरू से ही उनको गाय का दूध नहीं देना चाहिए 6 महीने तक, लेकिन वो अगर वो उनका पेट मदर फीड से भी फिल ना हो, वो बार बार मतलब क्राई कर रही है, उनके लिए क्या सोचें? कितने मंथ्स के बच्चे की बात कर रहे हैं? 6 मंथ्स तक आप उसको साथ फॉर्मूला मिल्क पर दे सकते हो, दे आर द बेस्ट मदर फीड के बाद फॉर्मूला मिल्क। जी कौन सा फॉर्मूला मिल्क सबसे बेस्ट है? यार मैं किसी को प्रमोट नहीं करती। हाँ जी ग्रीन टी आपका वजन कम नहीं करती, ये एक मिथ है कि ग्रीन टी वजन कम करती है। हाँ अगर आप खाना कम खाओ, ग्रीन टी को यूज़ करो, तो वो एड ज़रूर कर सकती है आपके मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करने में। लेकिन अगर आप ये कहें जी मैंने लार्ज पिज़्ज़ा खाया उसके बाद ग्रीन टी का एक कप पी लिया तो सारी कैलोरीज फ्लश आउट हो जाएं, ये नहीं हो सकता। लेकिन मैम अगर हम ग्रीन टी यूज़ करते हैं तो ये हेल्दी है या नहीं चाहिए? ग्रीन टी अगर आप एज एंटी ऑक्सीडेंट यूज़ करते हो बॉडी में, उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हो कि जी मेरी बॉडी में बेनिफिट्स हों, तो इट्स अमेजिंग, आप डेली का एक कप पी सकते हो। ग्रीन टी आप दिन में एक कप किसी भी टाइम पे इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन सिर्फ वही एग्जैक्ट खाने के फौरन बाद नहीं। वो क्वेश्चन मैं एड्रेस अभी करती हूँ। जी यार जो हम चाय पीते हैं वो हेल्दी होती है या? बताती हूँ जी आप। जी मैं चाय के बारे में पूछना चाह रहा था कि चाय क्या सेहतमंद से भी बिल्कुल बताती हूँ जी। ज्यादा नींद आने का बिल्कुल ठीक है जी। मैं तो आपने कहा था कि अंजीर और जैतून का डेली इस्तेमाल बेहतर है जी। क्या इसको मुसलसल ले सकते हैं या गैप करना चाहिए? देखिए दोनों चीज़ें हेल्दी हैं, आप डेली बेसिस पे भी ले सकते हैं। गैप डालना चाहें तो अंदर 5-6 दिन का डाल लीजिए, उसके बाद फिर उसको कंटिन्यू कर लें। आप ऐसे कर लें, एक हफ्ता खाएं, एक हफ्ता छोड़ दें, एक हफ्ता फिर खा लें। और इसी तरह सेम दूध और प्लस जो हल्दी आपने बोला, दूध हल्दी तो आप डेली बेसिस पे भी पी सकते हैं, उसका कोई नुकसान नहीं है। जी मेरी ऑब्जर्वेशन आपकी भी है सबकी है, कोविड के दौरान जो लोग और कह लें या लो स्टैंडर्ड्स के, तो वो तो पूरा क्रिकेट भी खा रहे हैं और आम खेल रहे हैं, लेकिन वो स्टेबल रहे, और जो लोग ज़्यादा रिच साइड पे हैं वो बीमार हुए। इम्यून सिस्टम उनमें कैसे ज़्यादा स्ट्रांग हो गया? बिल्कुल बताती हूँ जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है? जी क्वेश्चन मैं ये कहना चाहूँगी, हम लोग ऐसे कहते हैं कि वेट कम करना तो हम खाना पीना कम करते हैं, खाना खाने से वजन कम होता है, मैनेज करने से। मैनेज रहते हैं जी। हाँ वो पानी एज इट इज कंज्यूम कर लो, पी लो, भिंडी निचोड़ के फेंक दो, पानी एज इट इज कंज्यूम कर लो। और मैम मेरी फ्रेंड का क्वेश्चन है कि आपने जो बताया था कि दूध में मतलब हल्दी वगैरह डालें तो हल्दी हमारे लिए बहुत सी बीमारी उसमें बचाती है, लेकिन अगर हल्दी की हमें प्योर ना मिले? अच्छा देखो हल्दी प्योर जो है ना वो मिलने का एक हल ये आता है, बस आगे ये हल्दी का सीज़न आ रहा है, हल्दी सब्जियों वाली दुकानों पे अदरक की तरह की होती है, वो मिल जाती है, उसको लेके घर पे खुद ड्राई कर लो और उसको पिसवा लो। मैं एक और क्वेश्चन जी, आपने कहा था कि दूध अगर लेना चाहिए तो मतलब डब्बे वाला कभी यूज नहीं करना चाहिए, उसके अलावा जो खुश्क पाउडर भी कौन? हाय अल्लाह, टी वाइटनर जहर। अच्छा ना पियो ऑनेस्टली, पाउडर वाला दूध, डब्बे वाला दूध पीने से बेहतर है कि आप दूध ना पिए, सिर्फ पैसे ज़ाया कर रहे हैं बल्कि अपने लिए खुद जो है ना अपनी बीमारियां खरीद रहे हैं, ना खरीदें। अच्छा जी अब आप सब का सवाल था चाय, जो कि एक बहुत लव्ड क्वेश्चन है, और आप सबको भी चाय पीना, चाय इस्तेमाल करना, सर्व करना जी, बाहर जाएंगे सब पियेंगे बिल्कुल, ड्राई मिल्क की होगी बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब अगर आप लोगों से मैं पूछूं कि चाय के कोई से 3 फायदे मुझे बताएं, थोड़ा सा ऊंची बोलें ताकि सबको आवाज जाए, ताकि रिपीट ना हो और मैं फिर अपना आंसर जल्दी कंक्लूड कर सकूं। एक्टिव रखती है जी, सर में दर्द होता है जी,
थकावट के लिए जी चाय पीने से पूरा दिन एक्टिव है। जरा स्पीड जी नहीं है। अच्छा जी जी एक्टिव हो पेपरों में मदद करती है। क्यों चीटिंग कराती है जी? मैं अगर पीनी है तो उसमें थोड़ा सा अदरक डाल के पी ले, फायदा भी देगी उनको। बिल्कुल ठीक है जी। जो साथ भैया बैठे हुए हैं जो तब से छुप रहे हैं जी, कोई चाय का फायदा शेयर करें अगर आप। नींद नहीं आती जी? प्रोटीन की मिकदार होती है। अमेजिंग, अ डिफरेंट वन जी। सर प्लीज आदत जी डाइजेशन को बूस्ट करती है। अमेजिंग जी, ठीक है जी। आप लोग कोई? मैं चाय अपने गले के लिए पीता। गले के लिए पीते हैं तो वो तो गर्म पानी भी पी सकते हैं, ये तो आपने बहाना बनाया जी। चाय बूस्टर है। बूस्टर है। आप तब कह रहे थे तीन से ज्यादा फायदे आप बता सकते हैं, तो प्लीज अगर आप हमें बताएं। चाय फर्स्ट ऑफ ऑल तो बूस्टर है। ठीक है, बूस्टर किस चीज का है? हमारी बॉडी के लिए, जैसे कि कोई काम नहीं करता। एनर्जी बूस्टर है आप कह रहे हैं, ठीक है जी। तो इसके अलावा आपको कोई फायदा लगता है चाय का? थकावट को दूर करती है जी, नींद को। जी सर, चाय इंटॉक्सिकेशन है बस, वन ऑफ द जिसको इंटॉक्सिकेटेड आदमी दूसरे की तरफ जाए पीता। बिल्कुल ठीक है जी। है थकावट का, हाँ बिल्कुल आपने मुझे बता दिया। मेटाबॉलिज्म तेज करती है, ये भी मुझे भी याद है। क्या चीज? हमें खाना खाना मिर्ची वाला ज्यादा, तो ठीक है चाय पीने से एडजस्ट हो जाता है। सबसे पहले तो मैं आप सबके लिए यही कहना चाहूँगी कि वेल डन, अमेजिंग। आप सब ने बहुत सारे फ़ायदे बताए, अपनी वो रिसर्च और आपने जो अपनी सोच देखी, एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर किए। चाय की अगर आप बात करें, सबसे पहले चाय कैसे बनी है, किस तरह बनाई गई है, कितनी मिकदार में बनी है, कितना दूध डला है, कितनी पत्ती चीनी डली है, उस पे डिपेंड करता है कि चीनी का क्या आपकी बॉडी में जाके इफेक्ट होगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ प्रोटीन इनटेक बिल्कुल गलत, प्रोटीन का कंटेंट ही ज़ाया हो जाता है। दूध का जो विटामिन डी अगर कोई बॉडी में एब्जॉर्ब होना होता है वो भी नहीं होता। नंबर टू, आप लोगों ने कहा कि जी थकावट को उतारता है, सेम इज़ द थिंग, आपके माइंड में बैठा हुआ थकावट को दूर करेगा। नंबर थ्री, गले को ठीक करता है। सर गर्म पानी शहद डाल के पिए, चाय से बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको उससे। नंबर फोर, आप लोगों ने ये कहा कि जी एनर्जी बूस्टर है, बॉडी को बड़ा बूस्ट करती है। बूस्टर तो फिर कॉफ़ी से अच्छा कोई नहीं, कॉफ़ी कंज्यूम करें। आप लोगों में से यहाँ पर कोई भी कॉफ़ी पीने वाला नहीं है, इसलिए कॉफ़ी का आगे से कोई सवाल मुझे नहीं आया। आप पीते थे जी? जी जी, ब्लैक कॉफ़ी पीने से वज़न कम हो जाता है। अच्छा जी, पहले कॉफ़ी का बता दूँ कि चाय का बता दूँ? ये बता, चाय का। अच्छा देखें, चाय की अगर हम बात करें तो जैसे ही हम पानी के अंदर पत्ती डाल के उसको पकने के लिए छोड़ते हैं, आपकी जितने भी समझ लें चाय के एंटीऑक्सीडेंट्स और वो फ़ायदे होते हैं ना, वो उसके साथ इवेपोरेट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। फिर उसमें आपने डाल दीजिए चीनी, बहुत सारे लोग इस पॉइंट पे चीनी डालते हैं, चीनी ने उस पत्ती के साथ मिलके एक ऐसा बॉन्ड बनाया जो आपके लिए जहर होगी। फिर बहुत सारे लोग चीनी स्टेज पे नहीं डालते, दूध डालते हैं, दूध को पकने के बाद फिर उसमें चीनी डालते हैं, दूध का कोई कैल्शियम कोई विटामिन डी जो भी था वो बॉडी में चाय के साथ चाय की फॉर्म में नहीं जाएगा। चाय पीने का हाँ एक फ़ायदा हो सकता है, नहीं चाय पीने का एक ही फ़ायदा है, मिल बैठने का तरीका अच्छा है, बैठ के चाय पी जा सकती है। ठीक है, उसके अलावा जितने भी फ़ायदे आप लोगों ने मुझे बताए हैं वो गर्म पानी पीने से भी हल किए जा सकते हैं, और किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है। दिन में दो कप गर्म पानी पिए, मैं ऐसे बहुत सारे अपने पेशेंट्स को जानती हूँ जिनसे जब पूछती हूँ कि पूरे दिन में आप क्या खाते हैं, तो वो कहते हैं कुछ भी नहीं मैडम, वज़न वैसे ही बढ़ गया, कुछ भी नहीं खाते कभी मैम, मैं तो कुछ भी नहीं। चाय के 15 से 20 कप एक दिन में कंज्यूम किए जाते हैं। ठीक है, चाहे वो पाउडर मिल्क के हों, चाहे वो डब्बे वाले दूध के हों, चाहे वो गवाले वाले दूध के हों, इतनी चाय वैसे ही आपके लिए अच्छी नहीं है। चाय आपने पीनी है, चाय जैसे कहा गया कि जी एक नशा है, आप उसको कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम करने का बेहतरीन तरीका ये है, पानी बॉयल कीजिए, उसके अंदर दालचीनी या अपनी जो इलायची है, दालचीनी को वैसे तो मैं इस बात पर प्रेफर नहीं करती कि उसको बॉयल किया जाए, लेकिन इलायची को बॉयल करें
उसके अंदर अपनी दूध पत्ती सारा कुछ डाल के एक उबाला आने के बाद उसको रिमूव कर लें, और चीनी ना डाली जाए तो सबसे बेहतरीन है, और उसको थोड़ा सा नीम गर्म होने पे कंज्यूम कर लें, तो चाय जो है दिन में 1 से 2 कप कंज्यूम की जा सकती है, इससे ज़्यादा ना करें। यार मेरे साथ लड़ना नहीं, आहिस्ता आहिस्ता। दूध के अंदर जो सारी चीज़ें डाल देते हैं वो तो कैंसर कॉजिंग एजेंट, सबसे ज़्यादा दूध पत्ती जिसको हम कहते हैं। जी मैं आपने कहा था कि इलायची को पहले बॉईल करें पानी में, अगर हम दूध में इलायची बॉईल करके चीनी पत्ती डाल देते तो वो तो वही बात हो गई, आपने दूध पत्ती बना के पी ली। अच्छा बजाय जी मैम, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है मेरा, कजन है उसकी ना ये रिसेंटली 6-7 कप वो डेली के चाय के ना कंज्यूम करता है। बिल्कुल ठीक है। तो उसका ये टेस्ट जो है शुरू शुरू में उसे फीवर की शिकायत हुई, तो उसका बिलीरेबल लेवल भी जो एस्पार्टेट है एलानिन है वो गुर्दों पे भी इफेक्ट है। बिल्कुल, लिवर भी इफेक्ट है। तो ये तो हमने आपको तो देखा 6-7 कप वो इजीली, तो आप तो नहीं पीते होंगे। अच्छा नाश्ते के बाद वाला सवाल बार बार आप लोग कर रहे थे, मैं इस चीज़ को एड्रेस ज़रूर करना चाहूँगी। नाश्ते के साथ क्या चीज़ ऐसी है जो इस्तेमाल कर लेनी चाहिए चाय ही अगर पीनी हो तो? सबसे पहली, बिल्कुल अच्छा ऑप्शन है ग्रीन टी। सबसे पहली चीज़ तो ये कि अपने नाश्ते को ये देखें कि नाश्ते में कितनी कैलोरीज और क्या क्या आपने डाला है, ठीक है। उसके बाद कम अज़ कम अपने नाश्ते और चाय में 1/2 घंटे का फ़र्क ज़रूर रखें, चाहे वो ब्लैक कॉफ़ी हो, चाहे वो ब्लैक टी हो, दूध वाली चाय हो, दूध वाली जो है आपकी चाय हो, आपकी ग्रीन टी हो, सब कुछ में कम अज़ कम 1/2 घंटे का फ़र्क रखें। आपने पूछा था वेट लॉस के लिए ब्लैक कॉफ़ी कितनी इफ़ेक्टिव है, वेट लॉस ब्लैक कॉफ़ी बहुत अच्छा कराती है, ज़रूर पिए, लेकिन लोग जब बहुत ज़्यादा ब्लैक कॉफ़ी पीना शुरू कर देते हैं, दिन में अगर आप 2 कप से ऊपर ब्लैक कॉफ़ी यानी 2 चम्मच से ऊपर जाते हो, तो आपकी जो स्किन की लेयर है ये इतनी पतली होना शुरू हो जाती है कि उसके बाद आपकी बॉडी पे स्किन की बीमारियां होना, स्किन कैंसर्स होना बहुत आसान हो जाते हैं। आई होप आप सबके लिए सेशन हेल्पफुल था, मुझे तो बहुत मज़ा आया, आई होप आप सबको भी मज़ा आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।